वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ रोहित कृष्णा। मैं आपका स्वागत करता हूँ महामैराथन बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एक टॉपिक एक्स्ट्रा जो है वो है एनिमल किंगडम से जुड़ा हुआ। मैं जस्ट एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ सारे सेटिंग्स को, ये सब कुछ ठीक है। यस, फिर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स का। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल है, इसलिए भी है कि इसमें आपको कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो डायरेक्टली आपको पूछे गए हुए हैं और यहाँ से आपको एमसीक्यू और कई सारी चीज़ों को टैकल करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इनके जितने भी टॉपिक्स हैं और टर्मिनोलॉजीज हैं उसको याद करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी का है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि प्रोसेस क्या हो रहा होता है उसका कॉन्सेप्ट है। और मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का जब हम लोग पेड क्लासेस में और जब हम लोग रेगुलर क्लासेस में आएंगे, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा रहा हूँगा, उस वक्त में मैं आपको बताऊँगा कि मैं पूरे के पूरे नीट सिलेबस को दो पार्ट में बांटा जाता है। वो बॉटनी जूलॉजी और इम्पैक्ट के हिसाब से नहीं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं मैं उसको पर्सनली दो तरीके से बांटता हूँ। एक होता है मेमोरी बेस्ड और एक होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। मेमोरी बेस्ड करने का मतलब है कि वो टॉपिक आते हैं जिसमें कोई भी चीज़ आपको देख करके और उसके बाद फिर उसको याद करना, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपके एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एज सच डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें जो डिवीजन ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देख करके याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे चैप्टर्स जो इस तरह के आते हैं, आपको ज़्यादातर उन चैप्टर्स को क्या करना होता है, बेड टाइम में, दोपहर के टाइम में, सुबह के टाइम में, जब आप सो के उठे हुए हो, अगर आप इतने तत्पर हैं कि नहीं डॉक्टर तो बनना ही बनना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक रेगुलर इंटरवल पे उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। 38 चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा चैप्टर मेमोरी बेस्ड नहीं है, लेकिन जितने भी चैप्टर मेमोरी बेस्ड हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें भी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो भी चैप्टर्स मेमोरी बेस्ड होते हैं उनको अगर आप देखिएगा तो ये भी पता चलेगा कि आप पहली बार जब आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरे चैप्टर को अगर मान लो ये 20 स्लाइड का है, सपोज कीजिए ये 20 स्लाइड का पूरा चैप्टर डिज़ाइन किया हुआ है, फिर हम लोग इसको हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से भी तैयार करेंगे फिर, ठीक है। तो ये तो ऐसा है कि बस क्विक रिवीजन के लिए है, इसलिए जो भी मेरे पास अवेलेबल था इंग्लिश वाला वो मैंने शेयर किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हिंदी में तैयार की जा रही हैं। तो मान लीजिए 15 से 20 स्लाइड अगर एक चैप्टर का आपका तैयार करके दिया जाता है, और अगर एक स्लाइड पर अगर आप 4 मिनट भी लगाते हैं उसको याद करने में और रिवाइज करने में, तो फर्स्ट टाइम में आपको 1 घंटा लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर उन स्लाइड्स को अगर आप 15 से 20 दिन तक रिवीजन करते रहते हैं हर रोज़ के लिए, तो अगली बार जो आप स्लाइड का रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। पिछले 3 दिनों से आप जितने भी महामैराथन की क्लासेस देख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका देख रहे हैं, जो भी की नोट्स हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जब आप पिछले 5 साल 6 साल 7 साल के क्वेश्चंस को जब आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग यहीं कहीं आसपास से पूछे गए हुए हैं। मैं भी जब तक सामने से आपका ये ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ये किया जा सके, ट्रैक किया जा सके कि सबा परवीन, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, सलमान बागवान, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट मी स्टार्ट दिस वन, ठीक है एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ट्रैक किया जा सके कि यस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के डिस्कशन को, और पहला टॉपिक जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 5, क्लास 11 से चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अनिल कुमार, हेलो अनिल, अमित, हेलो अमित, ठीक
है। तो यही सारी डिस्कशन में मैंने बताया कि इसमें से कुछ चैप्टर्स, जैसे आप रेगुलर क्लासेस में भी आ रहे होते हैं या जनरल फीडबैक हम लोग को बच्चों को मिलता है कि सर थोड़ा सा जो है ना ये बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है या मन नहीं करता है, नहीं आप इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में अपने आसपास में अवेलेबल जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, आप उसके आराम से पूरे मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं कि अगर आप रूट निकालोगे ग्रास का भी, अगर रूट निकालोगे घास अगर है आसपास में, तो भी आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये जो घास है ये किस कैटेगरी का है, इसके रूट्स किस तरह से डेवलप किए हुए हैं, इसके अंदर किस तरीके से आपके ये डेवलप कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मज़ा आता है। तो ये एक मेमोरी बेस्ड चैप्टर है जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल पर रिविजन करना पड़ेगा। अब तो समय बहुत नज़दीक आ गया हुआ है, लेकिन आगे के लिए जो भी बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं 2022-2023 के नीट के लिए, उनके लिए ये है कि आपको ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, आपको रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करना पड़ेगा। जब हम लोग आएंगे मेन क्लास में, पेड वाले क्लास में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ग्राफ में आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि कितना सेल्फ स्टडी करना होता है, फिर कितनी चीज़ें रिवीजन करनी होती है। अगर आप रिवीजन को छोड़ रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी किए जा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप बैक होम में जा करके आप उन चीज़ों को दोबारा से पलट के नहीं देख रहे हैं, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कितना परसेंट आपका अंडरस्टैंडिंग चला जाता है 2-3 दिन के इंटरवल में, वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, बहुत मज़ा आएगा फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला चीज जो फ्लावरिंग प्लांट का स्टार्ट होता है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर में भी आप ये करेंगे। अमित कुमार, ठीक है, नतालिया रेक्स, वेरी गुड मॉर्निंग अमित कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो अमित, वेरी गुड मॉर्निंग अमित, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी फॉर लेट रिस्पॉन्डिंग लेट, सो आई एम रियली सॉरी। चलो, एकता जोशी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एकता। आदित्य मिश्रा, गुड मॉर्निंग। सहाश मिश्रा, गुड मॉर्निंग। डी आर एक्स टिप्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है जो रूट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। रूट के बारे में दो रीजन है। पहला तो ये मेन पार्ट है आपके प्लांट का, अपार्ट फ्रॉम कि लीफ के लीव्स एंड ऑल चीज जितने भी, एक किसी भी प्लांट में सारे के सारे प्लांट पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रूट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, ताकि अब्जॉर्प्शन और वगैरह वगैरह में हेल्प करते हैं। तो हम लोग नीचे से ऊपर, रूट, स्टेम, फिर लीव्स एंड देन फ्लावर एंड फ्रूट्स पे चलेंगे। नीचे से ऊपर क्यों चलेंगे? इन डाइकोटाइलेडॉन्स, डाइकोटाइलेडॉन क्या हो जाते हैं? डाइकोटाइलेडॉन वैसे प्लांट्स जिनके सीड में आपके पास में जिनके सीड में आपके पास में दो पार्ट पाए जाते हैं। जैसे आप चना वगैरह को देखते हैं, ग्राम को, अगर आप उसके ऊपर के छिलके को अगर आप हटाइएगा तो आपके अंदर में, चना के अंदर में ऐसे ऐसे दो पार्ट मिलते हैं, दे आर डाइकोटाइलेडॉन्स। ठीक है, द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट विच बेयर द लेटरल रूट्स ऑफ द सेवरल ऑर्डर्स, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। तो जो भी डाइकोटाइलेडॉन्स होते हैं उनमें अगर आप प्राइमरी रूट्स का एक्सटेंशन करते हैं, प्राइमरी रूट का एक्सटेंशन जो है, एक सेकेंड जरा सा, अच्छा मैं यहीं से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नो नीड टू गो एट दैट पॉइंट, अदरवाइज टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। नाउ डाइकोटाइलेडॉन में जो इलोंगेशन पार्ट है वो रेडिकल से होते हैं। व्हाट आर रेडिकल्स या रेडिकल? जब आप सबके घर में आपने देखा होगा कि रात में कभी चना भिगो के या मूंग को भिगो करके आप रखे होते हो तो वो इम्बाइब कर जाते हैं। जो प्रोसेस जिसमें चना के अंदर सूखा चना होता है, जब उसके अंदर पानी इन करता है और जब वो स्वेल करते हैं तो उसको इम्बिबिशन बोलते हैं या इम्बाइब बोलते हैं। ठीक है, और तब आप अगर उसको किसी कपड़े या क्लॉथ में बांधते हो तो स्प्राउटिंग बोलते थे हम लोग, जो आप एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स में होते हैं तो स्प्राउट्स खाते हैं ताकि आपका खूब बढ़िया प्रोटीन वगैरह मिल सके। तो स्प्राउट्स में जो बाहर निकला हुआ होता है वाइट कलर का, दैट इज वॉट इज कॉल्ड रेडिकल। और आप जानते हैं कि अगर आप चना के एक छोटे टुकड़े को भी अगर आप सॉयल में उस समय में अगर आप डालेंगे तो रेडिकल ही है जो रूट में फाइनली डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग बोर्ड पर लिखो प्लीज। अभी तो डीआरएक्स, अभी तो क्या है ना कि हमें सिर्फ 3 घंटे के अंदर में सारे क्लासेस ये करने हैं। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इस क्लास को चला रहे होंगे तो हिंदी को भी हम लोग ये करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि हमारे पास जो इंग्लिश की जो स्लाइड्स हैं
अभी इसका हिंदी वाला भी चल रहा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी डीआरएक्स, तो अभी तो मैं हिंदी में समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है? अभी इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में ही रहेगा, जो हिंदी वाला होगा वो मैं समझाऊंगा हिंदी में, फिर पूरी चीज़ें हिंदी में ही समझाऊंगा, इंग्लिश में बात भी नहीं करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से क्या होते हैं कि अगर आप चना को भिंगोए हो और अगर आप स्प्राउट तैयार करते हो तो रेडिकल्स निकलते हैं, यानी स्प्राउट जो निकलता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, वही आपके रूट्स में यानी जड़ में डेवलप करते हैं, तो मेन रेडिकल डेवलपमेंट होता है। फिर आप देखिएगा कि साइड साइड से अगर आप किसी भी प्लांट को अपरूट करते हो, उखाड़िएगा, तो देखिएगा कि एक मेन जड़ जैसा जो होता है वो निकला हुआ होता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप रूट को निकालते हैं, अगले वाले स्लाइड में इस चीज को ड्रॉ किया हुआ है, तो रूट ऐसा होता है और साइड साइड में देखिएगा कि यहां से रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं, ठीक है? ठीक उसी तरीके से, थैंक यू डीआरएक्स, थैंक यू। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जो भी अगले क्लासेस होंगे, अभी महामैराथन वाला नहीं, जो रेगुलर क्लासेस चल रहे होंगे उसमें ये जितने भी टर्मिनोलॉजी जहां जहां भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको हिंदी में एक्सप्लेन की जाएंगी। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये टेक्स्ट सिर्फ इंग्लिश में है, इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है उसका वो मैं हिंदी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और टर्मिनोलॉजी को मैं अंडरलाइन भी करूंगा और बताऊंगा भी कि ये टर्मिनोलॉजी है। अगले जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे हम लोगों के, उसमें मैं ये चीज़ बता दूंगा कि आपको किस तरीके से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या ये करके। तो सेवरल रूट्स होते हैं जिसको हम लोग, प्राइमरी रूट्स होता है ये वाला, दिस इज योर प्राइमरी रूट्स, यानी पहला रूट नीचे की ओर डेवलप किया, फिर ये सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स जो होते हैं वो साइड से निकलना शुरू कर देते हैं। प्राइमरी रूट अलॉन्ग विद द लेटरल रूट फॉर्म द, ओके ओके, फॉर्म्स द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम प्राइमरी और सेकेंडरी रूट मिलकर के एक टैप रूट सिस्टम करते हैं जो मिट्टी से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ले जाने का काम कर रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास में मस्टर्ड है, ग्राम है, ठीक है? ये सब सब मस्टर्ड एंड ग्राम इन मोनोकोटाइलेडॉन्स, ठीक है? ग्राम तो डाइकोटाइलेडॉन है, लेकिन मस्टर्ड का एग्जाम्पल में मोनोकोटाइलेडॉन। प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाई द नंबर ऑफ रूट एट इट्स बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम, जैसे वीट और राइस में हो रहा होता है, ठीक है? सर बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते रहिएगा, ज़्यादा ईजी होगा हम लोगों के लिए। यस यस, इसके बाद में चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में, ठीक है? इससे इससे क्या है कि बीच में अगर मैं क्वेश्चन डाल दूंगा तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जैक्ट किस पोजीशन से पूछा हुआ है, तो कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये किया कि पूरा का पूरा आपका टॉपिक या चैप्टर जो होता है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर पिछले लगभग 4-5 साल का क्वेश्चन को उठा करके हम लोगों ने डिस्कस किया है। लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। मेन मोटो है 10-12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने का, कि पिछले 4-5-7 सालों में इन्हीं टॉपिक्स में से कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते चला जाऊंगा कि उसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, तो आपको जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका आंसर आपको याद करने की जरूरत पड़ जाएगी। और जब मैं ये की नोट डिलीवर करके जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको आसानी से लगेगा कि अच्छा ये तो स्लाइड नंबर इतना में उसका आंसर हम लोग पढ़े हुए थे, ये सारी चीज़ें वहां पे दिखाई दे देंगी। सो हम लोग एक बार ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग आकर के मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है? समय थोड़ा कम रहता है, एक स्लॉट के अंदर में ये करना है, पर मैं तो ये प्लान कर रहा था कि सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व कराने में क्वेश्चन नंबर तो ज़्यादा सॉल्व होगा लेकिन ये टॉपिक्स कैसे ऑर्गेनाइज करना है मेमोरी के लिए वो आपको नहीं समझ में आ पाएगा। या कोई क्वेश्चन में कंफर्टेबल होता है, कोई जो है उनको ये चीज़ें रिवीजन करनी होती है, तो हम लोग थोड़ा बहुत दोनों लेकर के चलेंगे साथ में। खैर, मोनोकोटाइलेडॉन जिसमें वीट और राइस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट सिस्टम नहीं होता है। वीट और राइस जैसे ग्रास इन सब में देखिएगा तो पूरा एक एक झल्ली जैसा रूट जो होते हैं, कई सारे नेटवर्क ऑफ रूट्स, ठीक है? वो आपके डेवलप किए होते हैं फाइबर्स के तौर पे, ठीक है? बिल्कुल फाइबरस, ठीक है? मैं इसको जरा से ऊपर कर लूं, यस, बिल्कुल फाइबरस रूट्स के तौर पे वो डेवलप कर रहे होते हैं। यहां पे आप देखिए कि अगर आपके पास प्लांट है, सामने में कोई प्लांट है और उसका कोई सीड नहीं है, और तब आपको कहा जाए कि आप ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये प्लांट जो है
वो आपके ये जो है प्लांट जो है वो मोनोकोटाइलेडोन है या डाइकोटाइलेडोन। तो रूट किससे कैसे पहचान में होगा, अगर वो प्लांट छोटे फॉर्म में है आप जरा सा उसको अपरूट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या वो फाइबरस है, ठीक है, क्या वो फाइबर्स के तौर पे उनमें इस तरह का डेवलप किया हुआ है, सॉरी, क्या इस तरह का डेवलप किया हुआ है या मेन रूट सिस्टम है और उसमें से प्राइमरी सेकेंडरी। वेलकम, ऑलवेज वेलकम शिवा, ठीक है। तो प्राइमरी रूट के साथ सेकेंडरी टर्सरी रूट निकले हुए हैं या सिर्फ फाइब्रस फॉर्म में रूट्स जो है वो आपके अवेलेबल होते हैं। अगर ये सिर्फ फाइब्रस फॉर्म में अवेलेबल हैं तो वो मोनोकोटाइलेडोन्स में से आ जाते हैं, और अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी रूट सिस्टम के अंदर में आ रहे हैं तो ये डाइकोटाइलेडोन्स के अंदर में आ रहे होते हैं। तो क्या हो गया कि विदाउट वॉचिंग द टाइप ऑफ सीड्स आप प्लांट को रूट के हिसाब से पहचान सकते हैं कि क्या वो फाइबर टाइप के हैं या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट सिस्टम भी वहां पे अवेलेबल है। द रूट्स दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिसाइड द रेडिकल, ठीक है, दूसरे पार्ट भी हैं प्लांट के जहां पे आपके रूट्स डेवलप कर रहे होते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है, जिसमें ग्रास, बैनियन, ठीक है, और मेज वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे घास है, या फिर आप देखिएगा जो पेड़ दीवारों पे ये चिपक के चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके स्टेम साइड से भी कुछ निकलता है। बैनियन ट्री में कौन से आ गए, बड़गद के पेड़ हैं जिनमें ऊपर बड़ी टहनियों से नीचे की ओर, जो भी बच्चे अगर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे होंगे तो बच्चे या मैं हम लोग तो बचपन में झूले हुए हैं, तो बैनियन ट्री का क्या होता था कि सेकेंडरी रूट जो होता था उसको हम लोग पकड़ के झूला झूलते थे। तो ये आपके एडवेंटिशियस रूट, नॉट सेकेंडरी, एडवेंटिशियस रूट होते हैं जो मेन रेडिकल के बजाय प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप किए हुए होते हैं और उसका प्लांट को सपोर्ट का, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम वो कर रहे होते हैं। ये हो गया आपका रीजंस ऑफ रूट, जो स्लाइड जो है, और यहां पे क्या है रीजंस ऑफ रूट में आप देखिएगा कि यही था रेडिकल जो आपके डेवलप कर रहे होते हैं, रेडिकल, ठीक है। और ये हो गए आपके रूट हेयर्स, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन, यहां से क्या होते हैं, ये ऑलरेडी सेल्स जो होते हैं वो यहाँ के मैच्योर कर चुके होते हैं। मेरिस्टमेटिक सेल्स के बारे में आप लोग पढ़िएगा, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स, मैच्योरेशन कहने का मतलब है कि माइटोटिक सेल डिवीजन या तो बंद हो चुका होता है या फिर बहुत स्लो हो रहा होता है, सो दे पार्सली वेरी ग्रो वेरी स्लो। शुगर कौन, शुगर कैन कैंसर, कौन सा रूट, शुगर कैन में फिर एडवांटेशियस रूट पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, शुगर कैन में एडवांटेशियस रूट पाए जा रहे होते हैं, हितेश सैनी, ठीक है। तो आपके पास में रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, ठीक है, और इसके पास में एडवांटेजेस, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन के बाद में रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन आ रहा होता है, जहां पे आपका मेन काम होता है कि माइटोटिकली ये एक्टिव होते हैं ताकि ये डिवाइड करें और ज्यादा से ज्यादा लैंड को पेनिट्रेट कर सके ताकि वाटर और बाकी चीजों का एब्जॉर्प्शन किया जा सके ना। और लास्ट में होता है रूट कैप, जिसको एपिकल रूट, एपिकल रूट या एपिक्स बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ये माइटोसिस में सबसे ज्यादा एक्टिव माइटोटिक सेल में होते हैं, यानी कि यहां तक कि कुछ प्लांट्स में अगर आपको माइटोटिक सेल डिवीजन देखना है तो इन पार्ट को ही कट किया जाता है और आपको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो आपको पता चलेगा कि ओनियन रूट टिप का जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिएगा तो वहां पे साफ तौर पे ओनियन को वाटर में डाल करके और उसके रिंग को, जो रूट डेवलप किया होता है, इसी टिप को कट करके और एसिटोकार्बिन वगैरह से स्टेन किया जाता है। तो दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीम माइटोसिस, माइटोटिक सेल डिविजन, ठीक है। अब आते हैं आगे में। अब कई सारे रूट्स जो है वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, एक सेकेंड, कई सारे रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं आपके, कई सारे रूट मॉडिफाई करते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पसेस, फॉर सपोर्ट पर्पसेस, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरेशन एंड सपोर्ट। कई बार आप देखिएगा कि स्वाम्पी एरिया में जहाँ पे आपके पास में कई बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसमें आप देखिएगा कि जो उनका रूट होता है वो जमीन से निकल के फिर थोड़ा बाहर आया रहता है, फिर अंदर आया रहता है, फिर बाहर आया रहता है, फिर आपके लेग्यूमिनस, लेग्यूम्स फॉर्मेशन, ताकि नाइट्रोजिनस
नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉयल में फिक्स किया जा सके, नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्रोजन साइकिल भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सके इसके लिए भी रूट में मॉडिफिकेशन किए जा रहे होते हैं, साथ ही साथ स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। टैप रूट ऑफ कैरोट दैट इज कॉनिकल टैप रूट बोलते हैं। रेडिस जिसमें फ्यूसीफॉर्म टैप रूट होता है, रेडिस कहने का क्या मतलब है, कैरोट मतलब हो गया, कैरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाजर, ठीक है, रेडिस, ठीक है, टर्निप, नेपी फॉर्म ऑफ टैप रूट। तो आप ये सब याद रखिएगा कि किस वेजिटेबल में किस तरह का टैप रूट पाया जा रहा होता है। टैप रूट बोलने का मतलब ही है कि जो आपके जमीन के अंदर है और वो वाटर को आपको एब्जॉर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, टैप टैप वर्ड कहाँ पे और सुना है आपने, सुना होगा ना कि टैप वाटर होता है, ठीक है, गाजर, बिल्कुल 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 हितेश, तो आपने सुना होगा ना कि टैप वाटर होता है, ठीक है, आप आपके घर में जो पानी लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैप को बंद कर दो, हाथ धोने के बाद टैप को बंद कर दो। उसका क्या कारण है कि आपने अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर किया है और तब आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे टैप वर्ड यूज किया गया। तो एनी अंडरग्राउंड थिंग जिसको आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसीलिए इस टैप वर्ड को यूज किया गया है रूट या जड़ के साथ में, कि टैप रूट सिस्टम जो अंडरग्राउंड की चीजों को एब्जॉर्ब करके और प्लांट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड एडवांटेजियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो स्वेलन टू स्टोर फूड्स। तो एडवांटेजियस रूट में डेवलप कर जाते हैं स्वीट पोटैटो, जैसे हमारे यहाँ उसको गाँव में हमारे यहाँ उसको अलुआ वगैरह बोलते हैं, ठीक है, तो अलुआ बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो सॉरी यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्टोर का, ठीक है, टाइप करने में थोड़ा सा ये हो गया हुआ है, मिस्टेक हो गया हुआ है, खैर, तो स्वीट पोटैटो भी रूट को डेवलप करते हैं ताकि वो फूड को स्टोर कर सकें। क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीन चीज बताया था, तो क्या आप ये चीज रिवाइज करके बता सकते हैं कि स्वीट पोटैटो में कौन सा ल्यूको, कौन सा ये पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है? या अमित, एग्जैक्टली, ठीक है, तो कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? अगर हो सके तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आज आज की क्लास में बहुत मजा आ रहा है, सारे बच्चे हैं और सब लोग इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों में से कौन सा चीज पाया जाता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अमित, यस 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 अमित, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट दैट इज व्हाट इज मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ, ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ। अब उसमें बता दीजिए ओलियोप्लास्ट है या अमाइलोप्लास्ट है, एक और क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट में ओलियोप्लास्ट है या अमाइलोप्लास्ट होगा स्वीट पोटैटो में? ओलियोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट? दैट इज अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, तो सैकेराइड्स को स्टोर करने के लिए अमाइलोप्लास्ट होते हैं, उसको यूज किया जाता है। यस 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 नहीं 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 हितेश हितेश अनन्या पांडे हिंदी में पढ़ाइए बेटा, अभी डिस्कशन जो है वो ये रहेगा, हिंदी में ही रहेगा, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब थोड़े से अभी रहेंगे, अभी महा मैराथन वाले क्लास को चलने देते हैं, हम लोग जो आपके इसमें आएंगे, जो रेगुलर क्लासेस में आएंगे, मैं उनको अलग अलग स्लाइड बना के दे दूँगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ कि सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं जो रिटेन मेरे पास में कंटेंट है मैं उसको ये कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसको कवर कर पाए,
ठीक है, क्योंकि 12 तारीख को एग्जाम है आपका, और इसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे होंगे उसमें एक सेपरेट स्लाइड्स रहेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। और जो भी टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो सारी चीज़ें जो है हम लोग फिर से उसको हिंदी में भी इंक्लूड करके बताएंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जहाँ तक बात है अमाइलोप्लास्ट, जिन्होंने भी आंसर किया है वो बहुत अच्छा है। हितेश सैनी, ओलियोप्लास्ट जो होते हैं ना वो उन जगह यूज़ किए जाते हैं जहाँ फैट्स स्टोर किया जाता है, जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया, जिसमें भी ऑयल और फैट स्टोर किया जाता है वहाँ पे ओलियोप्लास्ट यूज़ करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होगा, वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर पिगमेंटेशन का ये कर रहे होते हैं, कलर पिगमेंटेशन देने का काम कर रहे होते हैं। तो प्रॉप रूट ऑफ बनियान एंड स्लिट ये स्टिल्ट रूट ऑफ मेज एंड सुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द लोअर ऑफ स्टेम्स। तो बनियान का प्रॉप रूट जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं, और स्टिल्ट रूट होते हैं मेज में और सुगर केन में। तो सुगर केन और मेज में कैसा दिखाई दे रहा होता है, जो स्टैंडिंग प्लांट होता है उनका, उसके रूट साइड से जस्ट ऊपर से फिर आपके स्टेम के आसपास से रूट्स निकल रहे होते हैं। और बनियान ट्री में कैसा होता है, बड़ा सा ट्री होता है बनियान का, और यहाँ से ऊपर से जो होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स जो होते हैं वो अटैच किए होते हैं। तो दे ऑल आर मॉडिफाइड अनन्या ओके ओके अनन्या अनन्या जी, मैं मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग हिंदी में डिस्कशन करेंगे। जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह है, अगर 3 घंटे के अंदर में मैं 2-3 चैप्टर्स को मैं चाहता हूँ कि सबमिट करूँ कम से कम, तो 3 घंटे के अंदर में अगर हम लोग सब कुछ करेंगे ना हिंदी और इंग्लिश में मिला के करेंगे तो नहीं हो पाएगा बेटा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस स्क्रीन पे जो चीज़ लिखा है वो हिंदी इंग्लिश में है, और मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ और उस चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं राइजोफोरा। अब आपको एक हिंट दे देता हूँ, राइजो वर्ड जहाँ कहीं भी यूज किया जाएगा आप उसको हमेशा जड़, ठीक है, जड़ या रूट से समझिएगा। इंग्लिश में रूट, हिंदी में जड़ से समझिएगा, ठीक है। तो राइजोफोरा जो है इसके बारे में बताया गया है कि न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एट इज ग्रोज इन द स्वैम्पी एरिया। तो राइजोफोरा देखिएगा कि न्यूमेटोफोर्स ऐसे पेड़ जो दलदली इलाका में ग्रो कर रहे होते हैं, कोई पेड़ है और दलदली इलाका में, तो वही मैंने आपको बताया कि इनके रूट्स जो होते हैं वो जमीन से बाहर निकले हुए होते हैं या फिर बाहर की ओर ऊपर की ओर इलोंगेटेड फॉर्म में निकले हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्वैम्पी एरिया है तो वहाँ पे बताइए जो कीचड़ या दलदल जैसा जगह है वहाँ पे कौन सा गैस बनता होगा। हमारे विलेज में लैटली बोलते हैं, हमारे विलेज में लैटली बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज लैटली अमित, लैटली क्या बोलते हैं, मैं समझा नहीं है, ठीक है, जरा सा उसको चैट में ही डालो कि लैटली लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों से कनेक्ट होने के लिए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चों से कनेक्ट होने के लिए अगर मुझे 2-4 भाषाएं सीखनी भी पड़ेगी तो मुझे कोई इशू नहीं है अपने साइड से। तो मैं 2-4 भाषा में, मैं बंगाली है, मराठी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ और बोलने की कोशिश भी करता हूँ। साउथ वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो समझ में नहीं आता या बोलने में दिक्कत होती है, अदरवाइज द रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत। ओके, अच्छा लता लता लता, यस 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 लता, अच्छा लते बोलते लता। देखो इंग्लिश वाला टर्म जो आप हिंदी में लिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ सब जगह उसको लता बोलते हैं, लतरने वाला। हमारे यहाँ बिहार में क्या बोलते हैं, लतड़ने वाला पेड़। आप जैसे कद्दू वगैरह का पेड़ को अगर आप देखिएगा तो वो फैलते रहता है। हाँ, बनियान ट्री के ब्रांच, यस 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 यस, लता लता उसको बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो उसको, तो राइजोफोरा में देखिएगा कि राइजोफोरा में मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कि स्वाम्पी एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल और कीचड़ है वहाँ का जो जमीन होता है उसमें कौन सा गैस बनता है। स्वाम्पी एरिया में कौन सा गैस बनता है,
ओके स्वाम्पी एरिया में जो जमीन में जो पानी होता है और मिट्टी का लगा हुआ, दैट इज डिवाइड ऑफ, मतलब उसमें ना ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कमी होता है, बहुत ज्यादा कमी। तो उस केस में क्या होते हैं? डिहाइड्रेटेड। थैंक यू थैंक यू। तो उस जगह पे क्या होता है कि मिथेन गैस जो होते हैं CH4, ये बहुत ज्यादा बन रहा होता है। मिथेन मिथेन, यस यस यस, मिथेन मिथेन मिथेन, हितेश सैनी एंड अमित, मिथेन, ठीक है। मिथेन मिथेन का स्पेलिंग अमित, METHANE, बट एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो मिथेन गैस बन रहा होता है। उस केस में क्या होते हैं कि राइजोफोरा जो प्लांट्स होते हैं, या निमेटोफोर्स जो हैं, उनका एक एग्जांपल है, ये ऑक्सीजन के लिए अपने रूट को जमीन से बाहर की ओर निकाले हुए होते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ा रूट को, रूट सिस्टम के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेम पे। स्टेम में क्या है कि जो भी डेवलप्स फ्रॉम द प्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। रूट किस चीज से डेवलप किया था? रेडिकल से, ठीक है। और ये जो है प्यूम्यूल जो है एम्ब्रियो का, फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो प्यूम्यूल एम्ब्रियो जो आपका डेवलप कर रहा होता है, इनके जो प्यूम्यूल्स होते हैं, यहां से आपके फिर स्टेम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहां से आपके स्टेम का डेवलपमेंट होता है। जो रेडिकल है वो रूट के तरफ जाएंगे, और प्यूम्यूल जो होते हैं वो स्टेम की तरफ डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। स्टेम बियर्स द नोड्स एंड इंटर नोड्स, ठीक है। नोड क्या हो गया? जैसे स्टेम है तो नोड जो है वो ब्रांचिंग वाले पॉइंट पे, इसको नोड बोलते हैं, और दो ब्रांचिंग, दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। यानी टहनी जहां से निकला है उसको हम नोड वो एरिया बोलते हैं, और दो टहनी वाले एरिया के बीच को हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बॉर्न, दे आर कॉल्ड नोड्स, टहनी या लीफ दोनों ही निकले हो, एंड द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स दे आर कॉल्ड इंटर नोड्स। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज स्क्रीन पॉइंटर ऑप्शन, इट इज ऑल द स्लैब्स, ठीक है। ये हो गए आपके स्टेम, और स्टेम में से अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की, ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहां से आपका लीफ निकला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नोड वाला एरिया, नोड हो गए, और यहां से आपके ऊपर में अगर आप जाते हैं तो ये हो गए आपके, ये दोनों एरिया जो है वो आपको इंटर नोड बोलते हैं। इंटर वर्ड मतलब हमेशा दो चीजों के बीच में, जब बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है, यानी दो अलग अलग नेशंस के बीच में मैच चल रहा है, इंटर नोड यानी दो नोड के बीच का एरिया है, ठीक है। तो इसको याद करना ही आसान हो जाएगा। पहले आप नोड को समझो कि स्टेम का वो एरिया जहां से आपके लीफ निकल रहे होते हैं उसको हम लोग नोड बोलते हैं, और दो एरिया के बीच में हम लोग उसको इंटर नोड बोलते हैं। मॉडिफिकेशन फिर से, जैसे रूट का मॉडिफिकेशन हुआ था वैसे ही स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होगा। द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन एक्ट एज एन ऑर्गेन फॉर द पेरिनेशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो पेरिनेशंस ऑफ इन अनफेवरेबल कंडीशन करने का क्या मतलब है कि कुछ प्लांट्स को आप देखिएगा कि उनके जो स्टेम सिस्टम होते हैं, अगर आप उसको अनफेवरेबल कंडीशन में, पूरा प्लांट ड्राई कर गया हुआ है, ठीक है, पूरा प्लांट जो है वो ड्राई कर चुका हुआ होता है, उसके बावजूद फेवरेबल कंडीशन आने पे वो प्लांट जो है वो वापस से बाहर की ओर ग्रो कर जाते हैं। मैं जस्ट एक रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप देखिएगा कि गर्मी है या कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें वो प्लांट ड्राई करना शुरू कर चुके हुए हैं, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो अपने आप ही फिर से ग्रो करने लग जाते हैं। तो पेरिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट काफी लंबे समय तक जो है वो ग्रो किए हुए रह सकते हैं। तो पेरिनेशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वही आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे उसमें स्टोरेज हो जाता है,
आपके माइटोटिकली एक्टिव सेल्स जो होते हैं जिसमें माइटोसिस हो सके, सेल डिवीजन हो सके, ऐसे एक्टिव सेल्स जो होते हैं वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। टाइप्स आर एज फॉलोज, जिसमें आपके स्टेम्स जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप हैं, जिसमें सकर, राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर एंड बल्ब, ये अलग अलग तरह के स्टेम्स होते हैं। अब इसमें देखिएगा सकर में क्या है, जिसमें मिंट आता है, ठीक है, क्रायोसिंथेमम है, ये प्लांट का नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। राइजोम्स में आते हैं जिसमें जिंजर आता है, अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग मीना, ठीक है, जिसमें अदरक आते हैं, ठीक है। कॉर्न में आते हैं कोलोकेसिया, ट्यूबर में आते हैं जो आपके ये हैं अमित, कोई बात नहीं, सॉरी सर इस बात के लिए, चलो पोटैटो। एंड बल्ब आता है जो आपके इसमें है, ओनियन है और गार्लिक है। इसमें आप देखिएगा कि अलग अलग लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में चढ़े हुए होते हैं। तो आपके पास जितने भी स्टेम्स हैं, वो सकर टाइप, सकर इन द सेंस जिनका मेन काम जो है वो आपको वाटर या मिनरल को खींचना होता है। दूसरा होता है राइजोम्स जो आपके अदरक होते हैं, कॉर्म कोलोकेसिया, ठीक है, ट्यूबर जिसमें पोटैटो आते हैं, और बल्ब जिसमें ओनियन एंड गार्लिक आते हैं। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि ये चैप्टर्स जो हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, आपको थोड़ा सा जो है इन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। तो स्टेम भी जो है उसके साथ में आपके डेवलप किए होते हैं, प्लांट के साथ में स्टेम होते हैं और उनके साथ में टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं। टेंड्रिल कहते हैं, फिर से वही हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो उसको भी लता बोला जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उनके साथ टेंड्रिल्स अवेलेबल होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं क्लाइंब एज इन कुकुम्बर, खीरा या पम्पकिन, कद्दू और ग्रेप्स, जैसा कि आपके ग्रेप को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगूर, ठीक है। तो टेंड्रिल्स होते हैं जो आप देखिएगा कि आप अगर आप ग्रेप का पेड़ नहीं भी देखे होगे तो भी आपको ये नोट जो है यहाँ पे गलत टाइप हो गया हुआ है, ठीक है। तो कुकुम्बर में, पम्पकिन में और आप अंगूर में देखिएगा कि इनके जो प्लांट्स होते हैं इनके साथ रूट में टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं, और आपके पास कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पेड़ पे या फिर गेट पे या अगर आप उसको कोई भी सपोर्ट देते हैं, मनी प्लांट वगैरह हैं तो उसमें भी आप देखिएगा कि वो हेल्प करता है ऊपर की ओर ग्रो करने में। ओके, ये शायद उसी का पीछे का रिपीट हो गया है कुछ स्लाइड्स जो हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लीफ पे। स्टेम के बाद आते हैं हम लोग लीफ, और लीफ के जो टाइप्स हैं एंड वेराइटीज हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया, लीफ इज अ ग्रीन डिससिमिलर एग्जोजिनस लेटरल फ्लैट एंड आउट ग्रोथ। अब इस चीज को, ये जो चीज ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है उसको मैं एक एक करके समझा देता हूँ कि कैसे है। ये लीफ जो है वो ग्रीन कलर के डिससिमिलर एग्जोजिनस, हर प्लांट का अगर वो एग्जोजिनस है, यानी कि दोनों अगर सेम जीनस के नहीं है तो जितने भी अलग अलग पेड़ होंगे उनके सारे के लीफ अलग अलग होते हैं। ऐसा आप देखिएगा कि कोई दो डिफरेंट प्लांट है उनका लीफ लगभग लगभग देखने में एक जैसा नहीं होता है। लीफ मतलब पत्ते, ठीक है, सामने है डीआरएक्स, उसमें सामने में वो भी है, डायग्राम भी है, ठीक है। तो ग्रीन कलर के हैं, एग्जोजिनस कहने का मतलब होता है डिफर इन जीनस, ठीक है, डिफर इन जीनस। तो क्या होते हैं कि ग्रीन कलर के होंगे और डिसिमिलर एग्जोजिनस हैं, यानी कि अगर आप जितने भी अलग अलग जीनस के प्लांट को निकालिएगा, कोलोकेसिया प्लांट का नाम है, ठीक है, डिसिमिलर एग्जोजिनस लैटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ, यानी कि जो आपके स्टेम होते हैं वहां से बाहर की ओर और फ्लैट ग्रोथ हुआ होता है लीफ का, ठीक है, और साथ में विच इज बॉर्न ऑन द नोड ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि किसी भी स्टेम के नोड पे या तो लीफ बने हुए होते हैं या फिर उस स्टेम से निकला हुआ जो ब्रांच होता है वहां पे लीफ का ग्रोथ होता है, ठीक है।
तो आपके इसके बारे में समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि ग्रीन कलर के हैं डिससिमिलर एग्जोजिनस, यानी अलग अलग पेड़ के लीफ अलग अलग तरह के होंगे। लेटरल वर्टिकल का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर, लेटरल का मतलब होता है जमीन के पैरेलल में। तो लेटरल फ्लैटेंड आउटवर्ड ग्रोथ होता है, बाहर की ओर ग्रो किए हुए होते हैं। नोड्स में से इनका डेवलपमेंट होता है या स्टेम से निकला हुआ जो ब्रांच होता है वहां पे उनका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम को ऐड कर दिया है जिसमें आपको, ठीक है, जहां पे मैंने इस चीज को ऐड किया हुआ है आपके कि जो लीफ होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको क्या बोला जाता है। यस, थोड़ा सा इंग्लिश में है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैंने जैसा बताया कि जो पेड क्लासेस या रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें फिर हिंदी में भी लिखेंगे। अभी थोड़ा समय कम है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इन सब चीज़ों को रिवाइज करवा दिया जाए। और ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा इंग्लिश में भी, हम आप पे कोई फोर्स भी नहीं है कि इंग्लिश में ही आप याद कीजिए या ये है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जब इसके बाद के जो क्लासेज होंगे उसमें सारे के सारे स्लाइड्स अलग अलग तैयार किए जाएंगे। ठीक है, मुझे भी ये मालूम है कि 70% बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम से ही हैं या हिंदी मीडियम में उनको समझने में आसानी होती है। ठीक है, और इसके बाद में जो आपके ये हैं इंग्लिश के जो स्लाइड्स हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फिर छूट नहीं जाएं कि सर सब कुछ हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है क्या। तो लीफ का जो है एक एंड है जिसको हम लोग टिप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मिडरिप, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी भी लीफ का अभी अभी पढ़ने के बाद में आप एक काम करना, एग्जाम के बाद क्लास कब से स्टार्ट होगी, मेरे ख्याल से मीना और सारे बच्चे ये लाइव चैट में आपका ये सफलता ग्रुप्स का जो है ना वो दो नंबर वो अपडेट करेंगे, एक क्वेरी के लिए भी है और एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का भी है। मैं अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि एक मीटिंग होगी उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। मेरे ख्याल से शायद 9 तारीख से जो एग्ज़ाम के बाद नहीं बल्कि 9 तारीख से ही क्लास स्टार्ट हो रहा है, 9th of September। एग्ज़ाम जो है वो 12 तारीख को है AIPMT का, नीट का सॉरी, ठीक है। तो 9th of September से शायद क्लास स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरे से कन्फर्म करने के बजाय आपके लाइव चैट में वो आएगा, लाइव चैट में आपके पास दो दो नंबर आएंगे, या ये जो आपका amaruzala.com है या सफलता जो क्लासेस हैं उसके भी आप एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पे क्वेरी डाल सकते हो। मेरे ख्याल से 9th of September से स्टार्ट होगा, सो फार सो वी नो, बट जो अथॉरिटी हैं जो इसमें हैं वो जो डिक्लेयर करेंगे वही होगा। तो मेरे से बेहतर है कि आप कॉल करके एक बार पता कर लीजिएगा। तो जो लीफ हैं उनका जो टिप है, ये टिप है जो ब्रांच जो निकला होता है, आप सारे के सारे लीफ को अगर अपने हाथ में लेकर के देखिएगा, ठीक है, कोई भी लीफ होना चाहिए। आप घास का पत्ता को देखोगे तो उतना नहीं आएगा, आप अपने पास से कोई ऐसा लीफ निकालो जो थोड़ा बड़ा हो देखने में, आप नेकेड आई से उसको आसानी से देख सको। तो बीच का जो एरिया है जो गुजरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। मिड का क्या मतलब होता है, बीच, मिड पार्ट, एंड पार्ट, स्टार्ट पार्ट, मिड पार्ट, एंड पार्ट, ऐसे लिखते हैं, एकदम मिडिल में है, ठीक है। तो मिड हो गया और रिब लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो रिब जो है वो बिल्कुल मिड रिब है। मिड रिब के साथ में मार्जिन हो जाता है। मार्जिन क्या है, आप अपने कॉपी में हाशिया छोड़ते हो, मार्जिन है कि ये एंड है, इसके इसके इधर, इस लाइन के इधर लिखना होता है। तो लीफ का भी मार्जिन है कि इसके बाद लीफ जो है समझो कि बाउंड्री हो गया हो, कि वहां पे जाने के बाद लीफ खत्म हो गया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन। सबसे पहले कैसे याद करना है, टिप को याद करना है, मिडरिप को याद करना है। अब देखो एक और टिप मैं तुम्हें देता हूं। कभी भी इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं ना, इसको याद करने का कैसे तरीका है, मेरा एक स्टूडेंट था अभिनव सिंह, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं अभिनव सिंह, फिर अभी भी जैसे DRX हैं, अमित है, ठीक है, मीना है, और भी कई सारे बच्चे हैं पीछे के चैट में, मैं देखूंगा तब याद आएगा, ठीक है। तो कई सारे बच्चे हैं जो 2-4-10 बार अगर आपसे इंटरेक्शन होता है तो फिर आपका नाम याद होने था। अभिनव सिंह एक बच्चा था, वो हमेशा बोलता था कि सर मेरे को दो इशू होता है हमेशा, कि अगर कोई डायग्राम दिया होता है ना तो उसमें जो मार्किंग किया होता है वो मुझे याद नहीं होता है, याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे इसको क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, और दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने बताया कि आप ना इस चीज को ये करो, याद करने के लिए क्लॉकवाइज नंबर कर दो,
क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दो और उसके बाद फिर उस पर याद करो कि टिप किधर है, मिड रिब किधर है, मार्जिन किधर है, वेन किधर है, पेटियोल किधर है और लैमिना किधर है। और जब ड्रॉ करना होता है तो हमेशा पहले बेसिक से स्टार्ट करो, फिर वेन्स को ड्रॉ कर देते हैं, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, वेन्स को ड्रॉ कीजिए और बाहर में लीफ को ड्रॉ कर दीजिए। हो गया, इतना है। अब यहाँ पे 1, 2 है, जब एक बार ड्रॉ कर दियो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतना ड्रॉ कर दो, हो गया, बहुत है। तो आपके इसमें क्या है, मार्जिन तक मैंने बताया कि मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन है। मैं भी कल ये भी था, अभी जो लाइव क्लासेस हमारे स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि नीट निकालना और बायोलॉजी में स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मतलब बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। मैं छोटा सा एक हिंट ही दे देता हूँ कि 90 क्वेश्चन पूछने हैं और 38 चैप्टर्स हैं, तो ऑन एन एवरेज देखिएगा कि एक चैप्टर पे 3 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। यानी आप हर चैप्टर को पढ़ने में अगर आप उसमें का बेस्ट 10 क्वेश्चंस निकाल दो, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें से खुद से 10 सबसे अच्छा क्वेश्चन निकालो, तो अगर आप देखिएगा तो आपके पास बाय द एंड ऑफ सेशन आपके पास खुद ही का बनाया हुआ 380 क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी आपने खुद ही लिखा हुआ है, और इसी के 90 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, 90 में से 70 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको बता दूं कि आप जो क्वेश्चंस बनाए हुए उसी में से आएगा। 10 क्वेश्चन पिछले 5 या 7 साल में से एज सच डायरेक्टली उठा के डाल दिया गया है। आप पीछे पलट के देखिएगा तो एक ही क्वेश्चन के नीचे में AIPMT और नीट का 2-2 डेट दिया गया होता है। तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं 90 में से वो पीछे का उठाया हुआ है, और अंतिम 10 क्वेश्चन जो होता है वो साल वाइज के हिसाब से कुछ कॉम्प्लिकेट किया जाता है ताकि वो एक डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंस क्रिएट किया जा सके उन बच्चों के बीच में जिन्होंने बहुत गंभीरता से पढ़ाई की है, उनके लिए डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो आप देखिएगा कि 70-80 क्वेश्चन तक जो होता है ना वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है लगभग। तो इतना मान के चलो कि 90 में से 70 और थोड़ा भी अगर एवरेज स्टूडेंट हैं आप तो 80, ये क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए। इसके बाद में 10 क्वेश्चन के लिए फाइट होता है कि किसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कितना नहीं। नाउ मार्जिन के बाद में आते हैं वेन्स। तो आप देखिएगा कि आपके जो पेटियोल्स हैं या मिडरिब जो होते हैं, पेटियोल भी नहीं, मिडरिब में लीफ को ऐसे से निकला होता है, अगर आपको वेन नहीं दिखाई दे रहा है लीफ में तो आप क्या करो, जस्ट इसको ऊपर की ओर उठा करके, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा करके उसको देखोगे सनलाइट की तरफ में तो आपको आसानी से दिखाई दे देगा। साथ ही साथ में जो पेटियोल्स हैं ये वो चाहते हैं जहाँ पे आपके नोड्स होते हैं वहाँ से निकल करके पेटियोल निकला हुआ होता है, और फिर लास्ट में होता है लैमिना। लैमिना, लैमिना में क्या है, लीफ का वो पार्ट जहाँ पे आपके थैलाकोइड्स हैं, ग्रेस्ट्रो ये हैं, आपके ल्यूकोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोल रहा हूँ, प्लास्टिड्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, एस्ट्रोमा वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये सब इसमें एस्ट्रोमाटा वगैरह होते हैं, ये सारे सब यहाँ पे पाए जाते हैं लैमिना। अब आ जाते हैं लीव्स के बारे में। द लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल और मेरिस्टेम, तीन वर्ड को यूज किया गया हुआ है। अब इसमें तीन वर्ड में मैं आपको बता दूं कि जैसे जमीन के नीचे का पार्ट और जमीन के ऊपर का पार्ट, ठीक है, तो जमीन के नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट और जमीन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं शूट, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम कहने का मतलब है कि बिल्कुल एंड पे आपके ये पाए जा रहे हैं, एपिकल मतलब ऊपर की ओर जो होते हैं वहां पे, और मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो आपके होते हैं मेरिस्टेम सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल होता है, यानी कुछ ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाएं हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो लीफ का जो है वो ऊपर की ओर, लीफ कभी भी जमीन के अंदर ग्रो करते हुए आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अगर दिखाई दे तो प्लांट शेयर कीजिए कि सर हमने जमीन के अंदर लीफ देखा है। तो शूट में हमेशा जमीन के ऊपरी हिस्से पे मिलेगा, ठीक है, एपिकल पार्ट में मिलेगा अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की ओर प्लांट डेवलप कर रहा होता है, तो आप देखिएगा कि ऊपर में लीफ का डेवलपमेंट हो रहा होता है। जनरली देखिएगा कि कोई भी प्लांट जो ग्रो कर गया है उसको जड़ से या जमीन से ऊपर में नए लीफ नहीं निकल रहे होते हैं, ज्यादातर प्लांट में देखिएगा कि हमेशा अपर पार्ट पे ही रूट ये निकल होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एपिकल। और मेरिस्टेम क्या बोला गया,
कि प्लांट में चाहे वो जड़ का टिप हो या ऊपर का टिप हो, वो हमेशा मेरिस्टेम जो होते हैं वो कंटेनिंग होते हैं, जिसमें हमेशा माइटोसिस हो रहा होता है, सेल डिवाइड कर रहे होते हैं लगातार। ठीक है नाउ, ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर, अ टिपिकल लीफ। एक्रोपिटल ऑर्डर करने का मतलब है कि एक पैटर्न होता है सारे के सारे लीफ में, या जितने भी आपका लीफ का अरेंजमेंट होता है, यानी कि पेटियोल लैमेला एक्रोपिटल ऑर्डर में, यानी कि आप देखिएगा कि किसी भी टहनी में जो लीफ होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, या तो इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा। किस तरीके से वो प्लांट के या ब्रांचेस पे ग्रो कर रहे होते हैं उनके बारे में। तो अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कोई भी लीफ में तीन पार्ट पाए जाते हैं, एक लीफ बेस होता है, फिर एक पेटियोल होता है और एक होता है लैमिना। ठीक है, तो लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लैमिना में क्या है, जरा सा मैं इसको हटा दूं ताकि मैं ये कर सकूं। तो आपके स्टेम से जो है वो आपके यहाँ पे बेस होते हैं, फिर आपके ये जो पार्ट जो लीफ का जो ब्रांच जैसा दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल्स। ठीक है, और पेटियोल के अंदर में निकला होता है लैमिना। लैमिना में फिर आपके मिडरी पाए जाएंगे और वेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो लीफ अटैच्ड विद द स्टेम बाय अ लीफ बेस विच में बेयर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्टिप्यूल। ठीक है, आप कई बार, जैसे मैं बता देता हूँ, अड़हुल का फूल अगर आप देखे होंगे कभी दुर्गा पूजा वगैरह में लाल रंग का फूल चढ़ता है देवी माँ पे, तो उनके प्लांट में अगर आप देखिएगा तो लीफ का जो बेस होता है वहां पे देखिएगा कि लीफ के बेस पे भी छोटे छोटे लीफ जैसे निकले होते हैं, और तब यहाँ पे कंप्लीट लीफ का इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से बने हुए होते हैं अड़हुल के फूल पे। दिस इज कॉल्ड स्टिप्यूल। ठीक है, द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिड वेन, जो आपके मोटे से पार्ट बीच से निकले हुए हैं उसको हम लोग मिड वेन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेंटिलेट इन द लैमिना इट इज कॉल्ड वेनेशन, यानी कि किस तरीके से ये जो वेन्स हैं वो आपके इसमें ड्रॉ किए हुए हैं या ग्रो कर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेनेशन। TATION लीफ में अगर आप देखिएगा तो जिस तरीके से हाथ में आपके नस वगैरह जो फैला हुआ होता है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक उसी तरह से लीफ में भी देखिएगा कि छोटे छोटे वेनेशंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप कोई कोई बच्चा ऐसा जो पीपल का पत्ता कभी पेड़ वेड़ का, हमारे टाइम में क्या होते थे बुकमार्क नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि पीपल का पत्ता वगैरह को लेके किताब के बीच में रख लेते थे कि जहां तक पढ़ाई किया वहां पर उसको रखते हैं। तो जैसे जैसे पीपल का पत्ता पुराना होता था उसमें क्या होते थे, लैमिना जो था लीफ का, लैमिना जो होता था वो गायब हो जाता था या ड्राई कर जाता था, और सिर्फ आपके मिडरिब, वेन और वेनेशन सिर्फ बचे होते हैं। सबसे मोटा पार्ट होता है मिडरिब, उससे जो वेन, उससे जो ब्रांचेस निकले हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं वेन्स, और उससे भी जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं, जरा सा इसको मैं और बड़ा अगर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये मिडरिब है, ये वेन है, और ये हो गए आपके वेन, ये हो गए आपके वेंटलेट्स, ये हो गए वेंटलेट्स, और ये पूरे जो पार्ट हो गए इसको हम लोग लिखते हैं वेनेशन, VENATION वेनेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लीफ्स क्या क्या हैं, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब हो गया कि जिनमें एकदम जाल जैसा जो है वेनेशन फैला होता है, और पैरेलल जैसे आपके केला का पेड़ जो होता है उसका जो पत्ता होगा उसमें देखिएगा कि पैरेलल वेनेशन होता है। अगर आप उसको फाड़ने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल पैरेलल वे में केला का पत्ता फटते चला जाता है। तो वेनेशन फॉर्म अ नेटवर्क, नियर नेटवर्क, यानी कि आपको एक नेटवर्क जैसा वेनेशन दिखाई दे रहा होता है जबकि इसमें नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ताड़ का पेड़ है उसमें भी अगर आप वेनेशन देखिए, ठीक है, वेन्स आर इररेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि किसी का लेंथ, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, जैसे बनाना वाला जो पेड़ होता है उसमें देखिएगा कि वेन्स जो होते हैं बिल्कुल पैरेलल होते हैं बनाना लीफ में। फिर इट इज प्रेजेंट इन ऑल डाइकोटाइलेडिनस लाइक ग्राम, पी एंड बीन्स एंड मैंगो,
जबकि ये जो होते हैं मोनोकोटाइलेडॉन जैसे ग्रास, बनाना एंड राइस, इन सब चीज़ों में पैरेलल वेनेशन पाया जा रहा होता है और आपके पैरेलल वेनेशन पाए जा रहे हैं और मोनोकोटाइलेडॉन का। अब देखिए, मैंने रूट के समय में भी आपको बताया था कि सीड देखे बिना आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी प्लांट जो है वो मोनोकोटाइलेडॉन है या डाइकोटाइलेडॉन। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ आने के बाद में आप ये पहचान सकते हैं लीफ के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि वो मोनोकोटाइलेडॉन है कि डाइकोटाइलेडॉन है। अगर वेनेशन पैरेलल है तो मोनोकोटाइलेडॉन का एग्जांपल आता है, और अगर वेनेशन पैरेलल नहीं है, उनमें पूरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अगर पाया जा रहा है तो वो डाइकोटाइलेडॉन में आते हैं। अब लीफ में भी दो तरह के हैं, एक सिंपल लीफ है और एक कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ तो आपको ये होगा, दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटेटली कंपाउंड लीव्स, दो टाइप हैं आपके कंपाउंड लीव्स का भी। हम लोग अगर सिर्फ नाम याद करके चल रहे हैं ताकि इससे अगर जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस कभी आया भी हो, हम लोग हर चीज़ के उतने डिटेल में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बताते चला जा रहा हूँ। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम ऑन ए ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। किस तरीके से, मैंने एक बार बताया था ना कि लीफ का अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर भी एक लीफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसको हम लोग लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं। द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड एज इन द चाइना रोज। तो अल्टरनेट टाइप के होंगे, तो अल्टरनेट टाइप में कैसे होंगे बता दे रहा हूं मैं, अल्टरनेट टाइप में कैसे होते हैं कि अगर आपके पास में ब्रांच है और उसमें एक लीफ इस साइड निकला हुआ है, फिर दूसरा लीफ इस साइड निकला हुआ है, फिर इस साइड है, अल्टरनेट है, और एक हो जाता है पैरेलल, जिसमें ये था अल्टरनेट वाला जो था वो चाइना रोज का एग्जांपल है। दूसरा में होता है पैरेलल, जिसमें पेयर्स के तौर पे जोड़े के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, यानी जिस नोड से लीफ एक तरफ निकले हुए हैं ठीक उसी नोड से लीफ दूसरे तरफ भी निकले हुए होते हैं, ठीक है। अराइज फ्रॉम द ईच नोड अपोजिट इन, जैसे कि ग्वावा, जैसे अमरूद का पेड़ होता है, या इसका तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप अमरूद के पेड़ वगैरह का भी लीफ को देखिएगा तो वहां पर आपको ये चीज दिखाई दे रहे होंगे। नाउ इसके साथ में आ जाते हैं, इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड टू फॉर्म अ वर्ल, यानी एक ही नोड से अगर एक से ज्यादा लीफ निकले हुए हैं और उसको हम लोग वर्ल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक से ज्यादा लीफ निकले हुए होते हैं तो वर्ल टाइप है या फाइलोटैक्सी जो है, एज इन एलास्टोनिया। एलास्टोनिया प्लांट का नाम है, एग्जाम्पल आप नाम याद रखिए अभी फिलहाल, ठीक है, वो देखने में कैसे होते हैं या उनको लोकल नेम क्या बोला जाता है। तो एलास्टोनिया है जो आपके उनके एग्जाम्पल होते हैं जहां एक ही नोड से एक से ज्यादा लीफ निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो पेड़ का ऐसा ब्रांच होगा, फिर एक लीफ यहां निकला हुआ है, एक लीफ इस साइड निकला हुआ है, फिर एक लीफ इस साइड निकला हुआ है, एक लीफ इस साइड निकला हुआ है, फिर थोड़ा सा और ऊपर आए तो लीफ जो है वो अलग अलग एक ही नोड पे अलग अलग टाइप के लीफ निकले हुए होते हैं। नाउ फ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस में क्या है कि फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है, किसी भी फूल का कैसा अरेंजमेंट अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अब जैसे फाइलोटैक्सी किस चीज़ का था, लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग फाइलोटैक्सी बोले, तो फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। चलते हैं देखते हैं इसको कैसे ये है। सारे बच्चे जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं या जो लाइव थे, पेड़ का ओके, सारे बच्चे जो भी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद में इसके वेबसाइट पे इस सारे चैप्टर या टॉपिक का वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्लास खत्म होने के बाद में आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनफ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इट इज टर्म्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। देर आर टू टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, दैट इज रेस्मोस एंड काइमोस, या साइमोस जो भी आप चाहें बोलना, रेस्मोस एंड काइमोस। तो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है उसके स्टडी को हम लोग इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेस्मोस एंड साइमोस के साथ में कि फ्लावर को कैसे ये किया जाए। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने रूट देखा, रूट के बाद में हम लोगों ने शूट देखा, शूट के बाद हम लोगों ने लीफ देखा, ठीक है। लीफ के बाद अब हम लोग आ जाते हैं फ्लावर पर, ठीक है। अब यहां से रूट से स्टार्ट किए शूट पे, शूट से स्टार्ट किए लीफ पे, लीफ से स्टार्ट करते हैं फ्लावर पे और देखते हैं कि कैसे करना है। अ टिपिकल फ्लावर, कोई भी फ्लावर जो होते हैं उसमें चार तरह का वर्ल अरेंजमेंट पाया जाता है, यानी कि उनके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, या उनका अरेंजमेंट जो होता है उसको चार तरीके से बताया गया। ऑन अ स्वेलन
इंड ऑफ द स्टार्क और पेडिकल, दैट इज वॉट वट इज कॉल्ड थैलमस, ठीक है। दे आर किसी भी फ्लावर में, किसी भी फूल में चार पार्ट होता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम, ठीक है। तो अगर आप, मैं अगर एक फ्लावर को ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हो गए आपके लीफ यानी फ्लावर का पार्ट जो होता है वो, और यहाँ से आपके एक फीमेल ऑर्गेन पार्ट है, और यहाँ से आपके एंथर जो पॉलन ग्रेन कंटेनिंग होते हैं, पराग कण वो कर रखे हुए होते हैं, उसको अंडाणु और परागकण, ये जो है ये दोनों यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैलेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोला, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और इसको बोलते हैं गाइनोसियम। एंड्रोसिया, ठीक है। फिर से जो पूरे के पूरे फूल होते हैं उसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में, रेडियल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इन एनी रेडियाई पासिंग थ्रू द सेंटर एंड सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। कोई भी फ्लावर जिसको हम मान लो कि अगर हम एक फ्लावर है इसको बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करें, और इसमें जो आपका अरेंजमेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच गुजरा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। टू इक्वल रेडियल हाफ्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब कोई फ्लावर को, द फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स ओनली इन वन वर्टिकल लाइन, यानी एक फ्लावर जिसको हम दो वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर सकते हैं उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एक फ्लावर जिसको सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया जा सकता है, दो से नहीं करके सिर्फ एक से किया जा सकता है, हम लोग इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एंड फ्लोरल अपेंडेजेस, जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं उसमें फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल, जिसमें तीन चार पाँच, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। मैं थोड़ा सा ये हो गया था, एक मैसेज से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ। खैर, अगर एक फ्लावर को दो पार्ट से, मान लीजिए एक फ्लावर में चार पत्ते हैं, एक फूल में चार पत्ते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और एक ये, तो ये हो गए एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर एक फ्लावर में सिर्फ एक ही लाइन से उसको ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरे लाइन से उसको इक्वल डिपार्टमेंट नहीं डिवाइड किया जा सकता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी जिसको फूल का जो पत्ता होता है, जैसे गुलाब का फूल है उसका जो पत्ता होते हैं, उनमें कितने सारे अपेंडेजेस हो सकते हैं, इसमें तीन चार पाँच, दे आर कॉल्ड ट्राइमरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस रिस्पेक्टिवली। फ्लोरल अपेंडेजेस की अगर बात करें, नॉट फूल का पत्ता नहीं, अपेंडेजेस करने का मतलब जो नीचे, जब आप कली, गुलाब का फूल जो है कली के फॉर्म में रहता है, तो उसके ऊपर में कैसे ग्रीन कलर का एक पत्ता के जैसे जमा हुआ होता है, जिसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उसको काउंट कीजिएगा तो वो तीन चार या पाँच हो सकते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो आपके नीचे में दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर में फ्लावर होता है, अगर मैं इस तरह से, तो ये तीन चार या पाँच हो सकते हैं उसके हिसाब से। तीन वाले को ट्राइमेरस, चार वाले को टेट्रामेरस, पाँच वाले को पेंटामेरस बोलते हैं। फ्लावर विद द रिड्यूस्ड स्मॉल लीफ एट द बेस ऑफ द पेडिकल, दे आर कॉल्ड अच्छा मुझे लगा कि किसी का ये है, ब्रैक्टिएट्स एंड विदाउट ए ब्रैक्टिएट। तो जिसमें पेडिकल के पास में बेस ऑफ पेडिकल यानी जहाँ पे वो जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास भी छोटे लीफ जो है वो निकले हुए हैं, जैसे आप गुलाब के फूल में भी देखते हैं, तो उनको ब्रैक्टिएट और ए ब्रैक्टिएट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रैक्टिएट जिसमें फ्लावर के पेडिकल में लीफ पाए जा रहे हैं, यानी कि आपका ये ब्रांच है, यहाँ से फ्लावर निकला हुआ है, ठीक है। मैं अगर फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिएगा छोटा छोटा लीफ यहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे लीफ। तो अगर यहाँ पे लीफ पाए जाते हैं तो उसको हम ब्रैक्टिएट बोलते हैं, और अगर लीफ नहीं पाए जाते हैं तो उसको हम लोग ए ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। द बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल पार्ट, द थैलमस फ्लावर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर। यानी अगर आप फ्लावर में देखिएगा कि अगर आपके ओवरी का पोजीशन कहाँ पे है, उसके हिसाब से हम लोग हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस डिसाइड करते हैं, ठीक है।
हाइपोकाइनस का क्या मतलब होता है एनीवन? बिकॉज सिंस वी आर रिवाइजिंग इट, हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि हाइपोकाइनस का पोजीशन कहाँ पे होगा? जस्ट गॉट अ मैसेज, ओके, नो इशू। हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपिगाइमस, ठीक है? हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपिगाइमस, सॉरी, हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपिगाइमस फ्लावर में जो आपके ओवरी का पोजीशन है, सॉरी ओवरी, जहां से आपके फीमेल ऑर्गेन्स जो हैं वो पोजीशन को ये करते हैं, तो हाइपोगाइमस के हिसाब से आपका उनका पोजीशन क्या है, क्या वो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है? पेरीगाइमस और एपिगाइमस जो है इसके पोजिशन के हिसाब से तीन पार्ट में बांटा गया हुआ है। We are getting late, that is why I am just making it very fast. थोड़ा सा लेट हो रहा है क्लास का, ठीक है? The calyx is the outermost whorl out of the flower. अगर आप सिर्फ एक सामने में हम लोग एक काम करते हैं, गुलाब के फूल का या ओढ़हुल के फूल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? गुलाब के फूल या ओढ़हुल के फूल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज द मेंबर्स दैट आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है? तो सबसे अड़हुल के फूल का ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो ये क्या हो जाते हैं, ये अड़हुल के फूल के अंदर में ये ऐसा दिखाई दे रहा होता है, ठीक है? तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स में देखिएगा कि फूल के नीचे जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है उसके मेंबर को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। तो कैलिक्स के मेंबर को बोला गया सेपल्स, ठीक है? मान लो पांच है, छह है, तो उसके हिसाब से उनके मेंबर को बोलते हैं सेपल। नाउ इट मे बी गैमोसेपलस, जिसमें सेपल्स, जिसमें गैमोसेपलस कहने का मतलब है ये आपस में जुड़े हुए होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और पॉलीसेपल्स, पॉलीसेपलस जिसमें सारे सेपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो गुलाब का फूल का क्या एग्जाम्पल है, पॉलीसेपलस है, उनके सारे के सारे जो होते हैं वो अलग होते हैं। गैमोसेपल्स जो होते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है गैमोसेपल्स, उसका एक एग्जांपल आप सर्च कीजिए हिंदी में ही, या फ्लावर का नाम सर्च कीजिए कि कौन से गैमोसेपल्स हैं और कौन से पॉलीसेपल्स हैं। इसके बाद आते हैं कोरोला ऑफ पेटल्स, ठीक है? सेपल्स हो गए, इसके बाद हम लोग आते हैं कोरोला, गुलाब के फूल का पत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। कई सारे आप ऑर्नामेंट दुकान में जाइएगा, तनिष्क वगैरह में, तो उनके पेटल्स के नाम से वो लोग ऑर्नामेंट बनाते हैं। तो जैसे कोई भी फ्लावर का एक पत्ते का डिज़ाइन होता है उस हिसाब से वो लोग डिज़ाइन करते हैं। तो मैं बस बायोलॉजी का टीचर हूँ, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि तनिष्क जो है वो पेटल्स के नाम से निकाल रहा है, तो सबको लगता है पेटल कितना अच्छा नाम है। सर फिगर बड़ा बनाया करो। ओके अमित, मैं थोड़ा सा एक अपडेट कर रहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज मैं ये करूँगा, ठीक है? तो कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, जैसे गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, पूरे बंच को कोरोला बोलते हैं, और उसके एक एक पत्ते को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। दे में भी अगेन फिर गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस कहने का मतलब कि सारी पत्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग होंगी, ठीक है? गैमोपेटलस कहने का मतलब जुड़े हुए होंगे, और पॉलीपेटलस कहने का मतलब है कि पत्ते आपस में अलग अलग होंगे। तो गुलाब के फूल का जो फ्लावर है वो गैमोपेटलस है या पॉलीपेटलस है? गैमोपेटलस है या पॉलीपेटलस है? पॉलीपेटलस है, गुलाब के फूल के पत्ते पॉलीपेटलस होते हैं, यानी सारे के सारे अलग अलग होंगे, ठीक है? एंड टाइप्स ऑफ वेलवेट है, ट्विस्टेड है, माइलोप्लास्ट, ओके, दैट इज नॉट ये, ठीक है? वेलवेट टाइप्स आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी
एस्टिवेशन, सॉरी एस्टिवेशन। तो आपके कितने तरह के आपके ये हैं, टेक्सचर जो होता है, जो आपके फ्लावर के जो पेटल्स हैं उनका टेक्सचर कैसा है, वेलवेट है या फ्लावर ट्विस्टेड टाइप के हैं, इम्ब्रिकेट हैं या वैक्सिलरी एवेस्टेशन जो हैं, वो भी आपका पोजिशंस होता है फ्लावर का अलग अलग, इससे रिलेटेड है, आप उसको एक बार क्लियर देखिएगा। फिर आ जाते हैं जो मेन दो पार्ट है, दैट इज द रिप्रोडक्शन पार्ट जो आपके हेल्प कर रहे होते हैं, उसमें होते हैं एंड्रोसियम और जाइनोसियम। सो एंड्रोसियम दे रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, और यहाँ से क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन एंड ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, मैं एक सेकेंड के लिए, अमित का रिक्वेस्ट है, मैं एक बार के लिए इसको बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो एंड्रोसियम जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसका काम होता है जैसे हम लोगों ने कैलेक्स कोरोला, ठीक है, और एंड्रोसियम जाइनोसियम देखा है, तो उसमें सेपल पेटल, उसके बाद आते हैं स्टेमिन एंड स्टिग्मा। तो स्टेमिन आता है मेल वाले पार्ट में, मेल वाले पार्ट में क्या हो जाते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन, हर स्टेमिन में एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो आपके फ्लावर से जुड़े हुए होते हैं, और साथ साथ में उसमें एक एंथर होता है जहां पे पॉलेन ग्रेन का सिंथेसिस हो रहे होते हैं, पॉलेन ग्रेन का सिंथेसिस होता है, यानी परागकण, पराग जो होता है वो यहां पे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। स्टेराइल स्टेमिन्स आर कॉल्ड स्टेमे नोड, जो स्टेराइल स्टेमिन है यानी इनमें किसी भी तरीके का वो नहीं होता है, किसी भी तरीके का मेल गैमिट का सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, तो उस तरह के स्टेमिन को हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं, स्टेमिन नोड, दोनों को एक साथ जोड़ करके बोलेगा कि स्टेमिनोड से मिलकर बने होते हैं। व्हेन स्टेमिन्स आर अटैच विद द पेटल्स, यानी कि अगर स्टेमिन पेटल्स से अटैच्ड है, यानी पत्तों से अटैच्ड है, फ्लावर के जो ली, फ्लावर के जो पंखुड़ी होते हैं उनसे अटैच्ड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एपिपेटलस, जो ब्रिंजल बैगन का एग्जाम्पल होता है। और अगर स्टेमिन में भी फ्री, अगर वो इससे अटैच नहीं है बल्कि जो बल्ब निकला हुआ होता है जो आपके फीमेल ऑर्गेन के, वहां से अगर वो निकले हुए होते हैं, सेपल पेटल से अटैच नहीं है, फ्री है अगर वो, तो हम लोग पॉलीएंड्रस उसको बोलते हैं, एंड मे बी यूनाइटेड वन बंडल दैट इज मोनो एंड टू बंडल दैट इज डाई डेल्फस, ठीक है, मोनो एडल्फस है और डाई एडल्फस जो होते हैं, डाई एडल्फस जो है ये स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, या एक से ज्यादा, या तो एक स्टेमिन है या दो स्टेमिन है या बहुत सारे स्टेमिन है, पॉली एडल्फस जो होते हैं उसका भी एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। तो ये था आपका एंड्रोसियम के बारे में। फिर आ जाते हैं हम लोग जाइनोसियम के बारे में। जाइनोसियम में क्या क्या आ जाते हैं, ये फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, और ये कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पेल्स, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मोर वन और मोर कार्पेल्स, ठीक है, एंड ईच कार्पेल इज मेडअप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का काम होता है पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्टाइल होता है जो पोलन ग्रेन को थोड़ा सा फ्री करता है। मैं अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली बताऊं तो स्टेमिन, अगर पोलन ग्रेन के साथ कुछ और भी पार्टिकल हैं या पैथोजेंस होते हैं तो वो उसको यहाँ पर रोकने का काम करते हैं, और फाइनली ओवरी पाया जाता है जहाँ पे आपके एग्स होते हैं और वो वहाँ जा करके फर्टिलाइज करने का काम कर रहे होते हैं। अगर मोर देन वन कार्पेल, अगर एक से ज़्यादा कार्पेल अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रेजेंट हो सकते हैं और वो फ्री हो सकते हैं, तो हम लोग इसको एपोकार्पस बोलते हैं, जैसा कि लोटस के केस में होता है, रोज के केस में होते हैं, फ्यूज्ड, अगर वो फ्यूज टुगेदर है यानी सब लोग साथ में ही जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग सिनकार्पस बोलते हैं, जाके जैसा कि मस्टर्ड और टोमेटो के केस में, मस्टर्ड मतलब सरसों, टोमेटो मतलब टमाटर के केस में पाया जा रहा होता है, ठीक है। इनका काम होता है प्लेसेंटेशन प्रोवाइड करना, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सारे के सारे जो डेवलपिंग प्लांट होते हैं, फ्रूट्स के तौर पे पहले डेवलप कर रहे होते हैं, उनको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। फिर लास्ट में होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। किस तरीके से आपके ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर में अरेंज किए गए हुए हैं, उसको हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ये एक प्रोसेस भी है प्लेसेंटेशन, जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल में आएगा।
जो टाइप्स हैं जिसमें मार्जिनल, एक्सल, पेरिएटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मार्जिन में है, यानी ये बाहर की ओर फ्लावर में बाहर की ओर आपके पाए जा रहे हैं, जिसमें आपको पी प्लांट में दिखाई देता है। एक्साइल है यानी कि बीचों बीच में है, तो चाइना रोज वगैरह में दिखते हैं। पेरिएटल मस्टर्ड्स में दिख रहे होते हैं। फ्री सेंट्रल है यानी सब एक दूसरे से फ्री हैं और सेंट्रल रीजन में पाए जा रहे होते हैं, उसको एमडायंथिस में पाए जाते हैं। और बेसल जो बिल्कुल नीचे में चारों तरफ से आपके पॉलन ग्रेन वाले स्टिग्मा जो होते हैं, एंथर्स जो होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, और बीच में बेसल के तौर पे अवेलेबल होते हैं, वो सनफ्लावर में पाए जाते हैं। आप सनफ्लावर का आराम से फ्लावर को अगर आप देखिएगा तो उसमें स्टिग्मा और एंथर का पोजीशन आपको साफ तौर पे दिखाई देता है। अब आ जाते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स में क्या है कि मैच्योर एंड राइपन, एक बार जब आपके पॉलन ग्रेन, ठीक है, एक बार आपके पॉलन ग्रेन्स और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, मैं अभी फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक को नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो ओवरी होता है, ठीक है, वो ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहां तक बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो मैच्योर एंड राइपन ओवरी डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। तो मैच्योर कर चुके हैं, राइप कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो वो फ्रूट में डेवलप करेंगे। सो इट इज अ फ्रूट इज इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवरी, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओव्यूल्स जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं हो जाते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एक और फायदा है, या उसका एक ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सीडलेस होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का सीड नहीं पाया जाएगा। अब आप देखिए कि कौन सा फ्रूट है जिसमें सीड नहीं पाया जाता, बनाना, ठीक है। तो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड एंड पेरिकार्प। फ्रूट में जनरली सीड पाए जाते हैं और पेरिकार्प पाए जाते हैं पल्प के तौर पे। थिक एंड फ्लेशी पेरिकार्प, जो आप आम, जो आप हम लोग आम जो खाते हैं वो पेरिकार्प होता है, ठीक है, और उसके नीचे जो गुठली होता है वो होता है सीड, और एक्चुअली में गुठली भी नहीं, गुठली के बाहर वो तो कोट होता है, उसके अंदर में सीड पाया जा रहा होता है, ठीक है। तो पेरिकार्प जो होते हैं दैट इज द पल्प। तो थिक एंड फ्लेशी पेरिकार्प इज थ्री लेयर्ड, हाँ अच्छा, अनुश्री ठाकुर, अनुश्री बेटा एक्चुअली क्या है ना कि वी आर जस्ट 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है नीट का, तो ये एक महामैराथन, आप थोड़ा सा लेट आए हो, थोड़ा नहीं बहुत, मतलब 10 बजे से क्लास चली, तो ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ कि ये जो महामैराथन वाला क्लास है ना, उसको किसी एक लैंग्वेज में एक्सप्लेन, सारी चीज़ें मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है ना कि इन चीज़ों का हर टर्मिनोलॉजी को अगर मैं हिंदी में बता करके और तब लेके चलूंगा, ये क्या है एकदम रश वाला है कि 3 घंटे के अंदर में कम से कम 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, 10-10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो क्या है, इसके बाद जो क्लासेज होंगे, ऑनलाइन क्लासेज जो स्टार्ट होंगे, मेरे ख्याल से आपको सफलता क्लासेस का नंबर भी अपडेट किया जाएगा व्हाट्सएप का और क्वेरी का, तो अगर आप उन चीज़ों पे नंबर पे कॉल करेंगे तो हम लोगों ने फिर एक पूरा का पूरा क्लास, ये सारे स्लाइड्स वगैरह सब हिंदी में, स्लाइड कम्प्लीटली हिंदी में भी होगा और कुछ में ऐसा होगा कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में है या टेक्स्ट हिंदी में है, कोई बात नहीं अनुश्री, यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, और आज का क्लास तो बहुत, मतलब पिछले 3 दिनों से मैं क्लास ले रहा हूँ, आज के क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो इस तरह से इंटरेक्शन में अच्छा आता है। तो अनुश्री ठाकुर, हमारे जो पेड क्लासेस और इसके बाद जो रेगुलर क्लासेस होंगे, ये जो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें तकरीबन 7 से 8 दिन लगेंगे, तो मैं उस वक्त में इनको और ज़्यादा डिटेल में, किसी भी प्लांट का नाम साइंटिफिक हिंदी में क्या नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या नाम है, उसके साथ साथ में किसी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने रेगुलर वाले क्लासेस में इंक्लूड करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा लगे कि आपके ही घर के आसपास के प्लांट्स थे और हम लोग उस चीज़ को ऐसा जानते हैं या उस नाम से जानते थे या इस तरह से करके ना। चलो, तो
फ्लेसी पार्ट जो होता है उसका तीन होते हैं, उसमें इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प, यानी कि आपके फ्रूट का जो पल्पी पार्ट है पेरिकार्प में, उसमें तीन पार्ट है, एपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। सबसे बाहर वाले को एपिकार्प, बीच वाले को मेजोकार्प और सबसे एंड वाले को इंडोकार्प बोलते हैं। फ्रूट के बाद में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है फ्रूट में, फ्रूट के बाद आ जाते हैं हम लोग सीड्स पे। कहाँ चले गए हम लोग? यस, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीड्स पे। ओके ओके, थैंक यू अनुश्री। नाउ द डाइकोटाइलेडिनस सीड्स, सीड्स में भी दो तरह हैं, मोनोकोटाइल, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो आप बहुत आसानी से, अगर आपको सीड दे दिया जाए, अगर मैं आपको कह दूँ कि सरसों का सीड है, अगर आप उसको निकालते हैं, राइस है, जैसे धान है, गेहूं है, इन सब चीज़ों को अगर आप निकाल के देखिएगा तो क्या है, ये मोनोकॉट है, इसमें सिर्फ एक ही टुकड़ा होता है। और डाइकॉट में क्या होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं उसमें दो टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो मोनोकोटा, मोनोकॉट और डाइकॉट, तो डाइकोटाइलेडिनस सीड्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सीड कोट, उनके ऊपर में एक कोट होता है, एक लेयर जैसा बना होता है, ठीक है, एंड एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल एंड कोटाइलेडॉन्स। तो जो एम्ब्रियो है वो उनमें तीन पार्ट पाया जाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक बीचों बीच एक लाइन गया होगा, ठीक है, उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। रेडिकल्स हैं जो फाइनली ये ग्रो करते हैं, रूट डेवलपमेंट के समय में मैंने बताया था कि रेडिकल होते हैं, तो रेडिकल भी छोटे से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सीड के अंदर में। जब आप उसको वाटर देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो फिर से ग्रो करना शुरू करते हैं। एंड कोटाइलेडॉन्स, यानी एक कोटाइलेडॉन इधर और एक कोटाइलेडॉन इधर, इसलिए इसको डाइकोटाइलेडॉन बोलते हैं। सीड कोट किस चीज का बना होता है? कोट, कोट, कोटिंग किया गया है, तो वो किस चीज का बना है? इनके भी दो लेयर होते हैं, जिसको हम बाहर के लेयर को टेस्टा बोलते हैं और इनर, इनर लेयर को टेगमेन बोलते हैं। बाहर के लेयर को टेस्टा और इनर लेयर को टेगमेन। अगर आप चना को ही देखिएगा तो चने के छिलकों को हटाइएगा तो अंदर से वो येल्लो टाइप का होता है और बाहर से वो ब्राउन टाइप का होता है। तो बाहर वाला, अंदर वाला जो है टेगमेन और बाहर वाला को टेस्टा बोला जाता है। आसान है, ठीक है। हीलियम इज ए स्कार थ्रू विच द सीड्स आर अटैच टू द ओवरी, ठीक है, एंड स्मॉल पोर अबव द हीलियम इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब आप लोग क्या कीजिए, क्लास खत्म होने के बाद में अगर आपके घर में चना अवेलेबल होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ चना, ठीक है। तो देखिएगा कि चना में से एक प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है और यहां देखिएगा कि छोटा सा यहां पे एक होल जैसा बना हुआ होता है, ठीक है। दोनों में कैसे समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं? जो आपके डाइकोटाइलेडिनस है उसमें एक हीलियम जो है, हाइलियम, हाइलम नॉट हीलियम, हाइलम जो है वो एक स्कार की तरह दिखता है, ये है आपका हाइलम, एंड थ्रू विच द सीड इज अटैच टू द ओवरी। जो आपके ओवरी हैं, सीड जो है वो उसी से अटैच किया हुआ होता है और उसके नीचे एक छोटा सा पोर, पोर मतलब छेद, ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, राइजोबियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, RHIZOBIUM, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया का नाम होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि चना में एक छोटा सा छेद दिख रहा होता है, अगर आप चना को पानी में फुलाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें एक छोटा सा छेद है, दैट पोर अबव द हिलम इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ही है जहां से आपके ये जो होल है वो दिख रहा होता है, ठीक है। अभी माइक्रोपाइल के डिटेल में चलेंगे बाद में। मोनोकोटाइलेडिनस जो है सीड्स, द आउटर कवरिंग इज एंडोस्पर्म, दे आर सेपरेट द एम्ब्रियो बाई अ प्रोटीनियस लेयर विच इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, ठीक है। अब एल्यूरोन लेयर जो होते हैं, एल्यूरोन लेयर जो होते हैं, आप उसका एक आपको इसमें भी याद होगा, एल्यूरोप्लास्ट जो था, एल्यूरोप्लास्ट जो थे वो भी एग्जांपल आए हुए थे, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड का एक पार्ट है जो कि आपके प्रोटीन को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आपका अमाइलोप्लास्ट था, ठीक है, जैसे आपका ओलियोप्लास्ट था,
ठीक उसी तरह से एल्यूरोप्लास्ट भी आता है, एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है वहां पे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना। तो मोनोकोटाइलडिनस सीड्स जो होते हैं उनमें आउटर कवरिंग जो है उसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसका काम होता है सेपरेट करना इम्ब्रियो को एक प्रोटीनियस लेयर से, जिसको हम लोग एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटीन कंटेनिंग होता है या उनमें प्रोटीन पाया जाता है। सिंगल कोटाइलेडॉन इट इज कॉल्ड स्क्यूटिलम दैट इज हैविंग अ शॉर्ट एक्सिस बियरिंग द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। तो जो भी सिंगल कोटाइलेडॉन है और उनमें एक ही लेयर पाया जा रहा होता है तो उनमें इनमें क्या किया जाता है, एक शॉर्ट एक्सिस पाया जाता है। शॉर्ट एक्सिस मैं बता दे रहा हूं, जरा से इसको डिलीट कर दूं, थोड़े लाइंस हैं तो उन चीजों को समझाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नाउ एक शॉर्ट एक्सिस होता है जिसको हम लोग प्ल्यूम्यूल बोलते हैं और साथ में उनमें रेडिकल पाया जाता है। रेडिकल जहां कहीं भी आएगा आप समझ जाइएगा कि यहीं से रूट जो होता है वो सिंथेसाइज करना चाह रहा होता है। और साथ ही में एक लाइन है शॉर्ट एक्सिस, इसमें क्या था कि डाइकोटाइलेडिनस में साफ तौर पे था कि एक बड़ा सा एक्सिस था, ठीक है, पूरे के पूरे चना में देखिएगा कि बीच में एक लाइन बना हुआ होता है, ठीक है, और इसमें एक शॉर्ट एक्सिस होता है। जैसे आप गेहूं का देखिएगा तो गेहूं में सामने में एक शॉर्ट एक्सिस दिखता है, पीछे में उसके शॉर्ट एक्सिस नहीं हो रहे होते हैं। प्यूम्यूल एंड रेडिकल्स आर क्लोज इन साइड द सीथ विच इज कॉल्ड क्लियोप्टाइल एंड कोलेरोजाई रिस्पेक्टिवली। तो प्यूम्यूल जिस लेयर के अंदर में होंगे उसको हम लोग क्लियोप्टाइल बोलते हैं, और रेडिकल जिसके अंदर में जहां से रूट निकलना होता है उसको हम लोग कोलेरोजाई बोलते हैं। सर क्लास का चार्ज भी होगा अमित, इट इज बेटर दैट आप जो है ना इनका सफलता, यस चार्जेस हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं और कई सारे फैसिलिटीज भी है, बहुत कम पैसा है, बहुत कम फी है। मैं तो पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि इनका फी बहुत कम है, बहुत बहुत ही अफोर्डेबल फी है इनका, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपके किसी भी प्लेटफॉर्म के कॉम्पेरिजन में बहुत कम फी है, आप पता कर लो। मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप एक काम कर लेना कि मैं तो एकेडमिक्स से हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, जो भी सफलता इनका जो नंबर अपडेट होता है वो वाले जो हैं वो आपका आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने एक भी बार आज अपडेट नहीं किया है, मैं एक बार मैसेज उनको ग्रुप में कर देता हूँ ताकि वो ये कर सके, आपको नंबर को अपडेट कर सके। There are a lot of this. ठीक है, मैंने उनको डाल दिया है कि आप लाइव चैट में जो है वो ये है जो क्वेरी नंबर है वो आप अपडेट कर दो, बहुत सारे क्वेरीज जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक दो चैट के बाद में वो लोग अपडेट कर देंगे आपको। पिछले जो कल वाली क्लास है ना, कल वाले लाइव क्लास में भी, कल के भी डेट वाले लाइव क्लास में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे ये किया हुआ है, उन्होंने नंबर डाला हुआ है। लाइव चैट में जाएंगे तो कल वाले क्लास में नंबर डाला हुआ है, आज अभी ये थोड़ी देर में डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा प्लांट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं एक छोटा सा एक वाटर ब्रेक लेकर के आता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। वीट ग्रेन्स हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप कोटाइलेडॉन विच इज नोन एज, ठीक है, विच इज नोन एज स्क्यूटिलम, ठीक है, कोलियोप्टाइल, ठीक है, एपिब्लास्ट और कोलियोराइजा, ठीक है। जस्ट एक पहले चलेंगे हम लोग, ठीक है, कोलियोराइजा का इतनी दूर में दिया हुआ है, सबसे लास्ट लाइन में ही देखिएगा कोलियोराइजा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोलियोराइजा का है, तो ये दो क्वेश्चन है और मैं लगभग लगभग 30 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है। तो आप एक काम करोगे कि इन दोनों क्वेश्चन को एक मिनट का आप जरा सा सॉल्व करने का समय ले लीजिए, मैं जरा सा एक वाटर ब्रेक लेकर के आता हूं, ठीक है।
यस प्रियंका, प्रियंका केवट बेटा, ये है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द क्लासेस। हम लोग अभी बात हो रही है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जितने भी क्लासेस हैं इन सारे क्लासेस को हम लोगों ने ये किया हुआ है कि अभी ये रिवीजन चल रहा है 12 तारीख के बाद से, 12 तारीख के लिए। लेकिन कुछ क्लासेस जो हैं वो हम लोग जब अपने लाइव क्लासेस में आएंगे, लाइव सेशन में आएंगे, जब रेगुलर पेड क्लासेस जो हैं उनके, यस 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 यस, हिंदी में भी क्लासेस होंगी। ये एक महामैराथन है जो 12 तारीख को जितने भी बच्चे 12 तारीख को जितने भी बच्चे नीट एग्जामिनेशन में देने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का है कि 3 घंटे में कम से कम तीन चार दो तीन चार चैप्टर, 5 चैप्टर, 7-7 चैप्टर्स तक का टारगेट है हमारे पास में, कि हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है की नोट्स को डिलीवर करें और उसके बाद में आपको ये किया जा सके। ठीक है, की नोट को डिलीवर किया जाए और आपको भेजा जा सके कि किस तरह से करना है। मैं एक बार के लिए मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है, आपका क्वेरी का नंबर आ चुका हुआ है, मैं एक बार के लिए आपको मैसेज डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आपने देखा है, हम लोग अभी तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार के लिए आपके, वेयर इज द लिंक, यस लाइब्रेरी हिस्ट्री, ठीक है, अभी मैंने आपको ये कर दिया है, आपको मैंने अभी देखिएगा लाइव चैट में, यस 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 यस, हाँ, तो ठीक है, मैं देखता हूँ साथ में अगर कुछ ये भी आ जाता है। अभी आप देखेंगे लाइव चैट में, रोहित कृष्णा के नाम से मैंने अभी आपका डाला हुआ है, फॉर एडमिशन क्वेरी प्लीज कॉल 9810191192, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9310414677। और उसमें भी फीडबैक भी दिया हुआ है कि अगर आप चाहें उनसे मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट करना, तो आप उनको फीडबैक कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेरी को, तो वो वहां से करेंगे। बट मैं ये बता दे रहा हूँ, प्रियंका केवट और जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, हमारी क्लासेस हिंदी मीडियम में भी चलेंगी, ठीक है, और ये सारे टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश और हिंदी एक साथ आपको बताया जाएगा। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि आपका हिंदी का क्लास नहीं चलेगा या हिंदी मीडियम में क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, हमें मालूम है कि ज़्यादातर बच्चे, हमें तो ये तक पता है कि 70% बच्चे जो हैं वो हिंदी में ही क्वेरी कर रहे हैं कि हमें हिंदी मीडियम में चाहिए। अभी क्या था, ये सिर्फ महामैराथन के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। प्रियंका केवट वेरी वेरी वेलकम। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग। तो वीट ग्रेन्स हैज़ एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कोटाइलेडॉन दैट इज नोन एज, अगर आप वीट के ग्रेन को देखिएगा तो उसके एम्ब्रियो में एक बड़ा सा सील्ड होता है, एक बड़ा सा सील्ड होता है, शील्ड शेप का कोटाइलेडॉन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सीड, जो भी मोनोकोटाइलेडॉन प्लांट के सीड होते हैं, जिनके पास में एक ही, सिर्फ उनमें एक ही कोटाइलेडॉन पाया जाता है, और जो कि आपके ये हैं पोकेई, जो आपके ग्रेन्स जितने भी हैं, यानी कि ग्रेन जो हैं वो POACAE, ठीक है, पोकेई आपके सी सी ई ए सॉरी
सीएई से जो है वो आपके आए हुए होते हैं। तो जितने भी ग्रेन्स हैं, हेलो, हाँ ठीक है ठीक है सर, जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनके ये हैं वीट और मेज वगैरह में उनके कोटाइलेडॉन को हम लोग एस्क्यूटेलम बोलते हैं। एस्क्यूटेलम ये याद करने वाली चीज है कि आपको एस्क्यूटेलम ही उसको बोला जाना है, ठीक है। नाउ अमंग द चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल पोटैटो गुआवा कुकुम्बर ओनियन एंड ट्यूलिप, इन सारे चीजों में क्या कॉमन है, ठीक है। हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी कहने का मतलब होता है इनका ओवरी जो होता है वो आपका उसका पोजीशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जबकि इनके जो आपके ये हैं जो एंथर्स होते हैं वो आपके नीचे की ओर पाए जा रहे होते हैं। सेकंड का क्या ये होगा जो आपके पोजीशन ऑफ ये थे, ठीक है। इसमें चाइना रोज मैं बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ये किए हैं, कम डिस्कस किए हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसमें जो आपके चाइना रोज हैं वो, फिर आपके मस्टर्ड, ठीक है, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन, पोटैटो के बाद में आ जाइए ओनियन एंड ट्यूलिप, ठीक है। ये जितने भी हैं इनके पास में सुपीरियर ओवरी हो रहा होता है, यानी इनका ओवरी का पोजीशन जो है वो बाकी के एंथर से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। यानी ओवरी ऊपर होगा एंथर नीचे होगा, पोजीशन ऑफ दीज टू। तो आप कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 6। एक आपको एक चार्ट दे दिया जाता, मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रहा था लेकिन जो रेगुलर क्लासेस होंगे मैं वो समझ, मैं अभी का जो डिस्कशन है उसमें कई सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, मुझे भी मालूम है कि कुछ कमियां हैं, ठीक है, लेकिन इतने कम समय में उन सारी चीज़ों को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। 1 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कशन का है हम लोग का, ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे। जो आपके एग्जाइल प्लेसमेंट है, ठीक है, इन इज प्रेजेंट इन एग्जाइल प्लेसमेंट का क्या होता है, एग्जाइल प्लेसमेंट जो है वो आपके सिनकार्पस पिस्टल्स, यानी पिस्टल्स जो है, पिस्टल्स किसको बोलते हैं, सेपल एंड पिस्टल, ठीक है। द ओवरी इज पार्टीशन इंटू टू एंड मोर चैम्बर्स, जो आपके ओवरी होते हैं एग्जाइल प्लेसमेंट में क्या है कि ओवरी में दो या दो से ज्यादा चैम्बर पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपके प्लेसेंटा है वो आपके सेंट्रल रीजन में पाया जा रहा होता है, इसी का जो प्लेसेंटा का रीजन है वो बीचों बीच में पाया जा रहा होता है, साइड में पाए जाने के बजाय बीचों बीच में पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो ये है एग्जाइल प्लेसेंटल प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंट ओवरी का जो पोजीशन है वो आपके बीचों बीच में पाए जाने वाला जो प्लांट है उसमें, इसमें से कौन सा प्लांट है जो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो लेमन है ये आपका प्लेसेंटा जो होता है उसका बीचों बीच पोजीशन में या एग्जाइल पोजीशन पे जो है वो पाए जा रहे होते हैं। लेमन बोल रहा हूं मैं, हाँ लेमन 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 लेमन, ठीक है ठीक है। फिर आ जाते हैं रूट्स प्लेस इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इन ऐसा प्लांट जिसमें रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा होता, ठीक है। पी में, वीट में, सनफ्लावर में और पिस्टिया में, ठीक है। चौथा में पी प्लांट है, पिस्टिया जिसको हम लोग वाटर लेट्यूस बोलते हैं, पिस्टिया में वाटर लेट्यूस बोला जाता है, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा वाटर लेट्यूस का, ये एक एक्वेटिंग फ्लोटिंग प्लांट है। आप देखिएगा कि कई जगह पड़ाव ये पोखर वगैरह में देखिएगा कि बड़ा सा एक पत्ता होता है उसमें एक फ्लावर जैसा निकला होता है, तो वाटर लेट्यूस जो होते हैं वो एक एक्वेटिक प्लांट होता है, और इसमें जो रूट्स जो होते हैं वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कि बहुत प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है रूट का। तो जो आपके वाटर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है जो वो रूट के नहीं थ्रू हो करके बल्कि जनरल बॉडी सरफेस जो प्लांट पानी के ऊपर में जो फ्लोट कर रहा होता है उसी से हो रहा होता है, तो पिस्टिया वाटर लेट्यूस इज द करेक्ट आंसर। बाकी पी, वीट और सनफ्लावर ये सारे टेरेस्टेरियल होते हैं, ठीक है, टेरेस्टेरियल या जो भी है लैंड का आप लिख लो, लैंड पे पाए जा रहे होते हैं इसलिए उनका
ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करने की ज़रूरत पड़ रही होती है। नाउ पेरीगाइमस गाइनस प्लांट्स दैट आर फाउंड इन पेरीगाइनस प्लांट, प्लांट कहने का क्या मतलब है? पेरीगाइनस जो है जिसमें पेरीगाइनस अगर रिकॉल कर पाओ तो अगर जाइनेशियम ठीक है अगर जाइनेशियम जो है वो बीचो बीच सिचुएटेड, क्वेश्चन नंबर सिक्स में अगर जाइनेशियम बीचो बीच सिचुएटेड है इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ठीक है, तो अगर ऐसा फ्लावर जिसके बीचों बीच में जाइनेशियम सिचुएटेड है और बाकी सारे चीजें इनके साइड साइड में अवेलेबल होते हैं ठीक है, तो हम लोग उसको पेरी गाइनस प्लांट्स बोले जाते हैं ठीक है, जिसमें ओवरी यहाँ पे कहा जाता है कि हाफ इन्फीरियर होता है, हाफ इन्फीरियर मतलब कि ओवरी का जो पोजिशन है वो आपके हाफ इन्फीरियर को हम लोग डिटेल में देख लेंगे, जिसमें प्लम रोज एंड पीच ये जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आ जाते हैं, रोज के साथ साथ में प्लम जो है और पीच। मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। सर 12 सितंबर के बाद भी क्लास लगेगी? यस यस प्रियंका केवट, नए बैचेज स्टार्ट होंगे ठीक है बिल्कुल जीरो, और हम लोग चैप्टर नंबर वन से सारी चीज़ों का और डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 सितंबर से। सो होपफुली अगर जो भी आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप फिर वही है, आप 12 सितंबर नहीं मेरे ख्याल से 9 सितंबर से ही, आपको क्वेरी का नंबर दिया गया हुआ है ठीक है, आप एक बार के लिए उस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, क्वेरी हो या एडमिशन हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड ठीक है। कील इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कील क्या है ठीक है, द फ्लावर ऑफ फैमिली जिसमें पैलिपिनोसेई जो आते हैं बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला होता है तो ठीक है उसमें क्या हो जाते हैं तितली जैसा होता है ना बिल्कुल उसकी जरह उसके ये हो जाते हैं, जिसमें बटरफ्लाई शेप्ड जो फ्लावर्स होते हैं। देखो ये सब क्या है ना कि ये सब जब डिटेल में जब क्लासेस चल रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ठीक है। पोस्टेरियर और आउटर मोस्ट पेटल इज द लार्जेस्ट एंड इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और वेक्सिलम, द टू लेटरल पेटल्स आर सिमिलर एंड इसमें से एग्जाम्पल जो है इसका डी जो है इंडिगो फेरा जो है इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग आगे में देखते हैं, लीव्स बिकम जो हम लोग के लीव्स बिकम मॉडिफाइड इंटू स्पाइन, मॉडिफाइड इंटू स्पाइंस, इसमें से क्या होते हैं पत्ते जो होते हैं वो कांटों की तरह डेवलप कर जाते हैं ठीक है, कांटे की तरह डेवलप करने पे क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन यानी पानी वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, पानी का जो खपत हो रहा होता है। प्रियंका केवट आपको नंबर दिया गया बेटा, आप बहुत नॉमिनल फी है, बहुत ज्यादा नॉमिनल फी है, किसी भी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में यहां का फी बहुत नॉमिनल है, बहुत अफोर्डेबल है। आप एक काम करना 8 का सी ठीक है, यस करेक्ट आंसर प्रियंका प्रीति प्रसाद ठीक है, करेक्ट आंसर है 8 का सी। नाउ प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प दोनों ही आपके एडिबल पोर्शन होते हैं बनाना में, टोमेटो में, पोटैटो में एंड एप्पल में, 9 का सी। टमाटर में प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प दोनों ही उसके एडिबल होते हैं, पोटैटो का जो आपका ये है पेरिकार्प है उसको आप कंज्यूम नहीं करते हैं, बनाना और का पेरिकार्प नहीं प्रोड्यूस करते हैं, एप्पल का जो प्लेसेंटा का पार्ट होता है जिसमें सीड डेवलपमेंट हो रहा होता है वो भी आप कंज्यूम नहीं करते हैं, तो टोमेटो इज द करेक्ट आंसर। टमाटर पूरा का पूरा आप खा जाओ, काटो नमक डालो खा जाओ ठीक है। वेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप ऑन ईच अदर, मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स दे ओवरलैप ईच अदर ठीक है, यहाँ से भी और सेपल को भी मान के चलो कि ये एक दूसरे से, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म्ड एज, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में वो सेपल और पेटल एक दूसरे को अरेंज किए हुए हैं ठीक है, इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ इसका है, इनफ्लोरेसेंस को थोड़ा और डिटेल में हम लोग को जानना पड़ेगा। देन इसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट,
ऐसा कंडीशन जहां सेपल और पेटल का अरेंजमेंट जो है, नाइन का सी, यस नाइन सी इज द करेक्ट, एम्ब्रिकेट होता है, जिसमें आपके करेक्ट है, करेक्ट है, प्रियंका केवट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एम्ब्रिकेट अरेंजमेंट होते हैं जिसमें आपके सेपल और पेटल्स जो होते हैं वो करेक्टली अरेंज्ड नहीं होते। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी मैं बार बार आगे चला जा रहा हूं, कोई बात नहीं। कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से 10 का बी, यस यस करेक्ट है, बहुत अच्छा प्रीति, अंशुल कुशवाहा बहुत अच्छा अंशुल, ठीक है, प्रियंका केवट बहुत अच्छा, 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, 9 का सी इज द करेक्ट आंसर, 8 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 10 का बी ही लिखे हो ना, यस 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। और कल का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कल फिर 10 बजे हमारी मुलाकात होगी, ये 1 बजे तक क्लास चलेगा, अभी मत जाइएगा, ठीक है। कल हम लोग बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जितने भी टेक्निक्स वगैरह हैं, जिसमें आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, और बायोटेक्नोलॉजी का भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल कोशिश ये रहेगी कि हम लोग टॉपिक्स के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय उसका एक आउटलाइन दें, और अभी 10-11 क्वेश्चन ही सिर्फ हम लोग डिस्कस करें। कल हम लोग का कोशिश रहेगा कि 2 या 3 टॉपिक है अगर, तो हम लोग 3 घंटे में एक टॉपिक को ख़त्म करें और 20-30-40 मिनट जो हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने में लगाएंगे। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सीड इन द ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, सीड इन द ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, नहीं गलत है, ठीक है। मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नहीं इसमें फ्रूट, इसमें सीड पाए जाते हैं, इसलिए पार्थेनोकार्प नहीं हो, पार्थेनोकार्प का ऑप्शन ही नहीं है। ओहो, और ए जो है, ए प्रोटीनिशियस एल्यूलर लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन एंड स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड एस्टेमिनोड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। यस बाय मिस्टेक मैंने क्या किया बच्चे, वो थोड़ा सा पावर पॉइंट को एग्जिट करने का बटन दबा दिया है, मैं इसको एक बार फिर से इस फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाई देगा। यस यस, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लग गया, ठीक है। बट काफ़ी हद तक है और बहुत क्वेश्चंस हैं, मतलब मुझे लगता है कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसमें 107 क्वेश्चंस का मेरे पास एक सेट है, जो लगभग लगभग 1988 से लेकर के अभी तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं। बट अभी इन मेरे ख्याल से इसके बाद जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेगा ताकि हम इन एक एक क्वेश्चंस को देख सकें कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हुए हैं, एंड दे आर वेरी इजी टू आस्क, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना पड़ता है कि किस तरह के प्लांट्स हैं और ये हैं। चलिए तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे टाइमली तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये करें। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें क्या होते हैं, टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू उत्तक जो है वो पाए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जितने भी सेल्स होते हैं जिनका एक कॉमन, एक ही जगह से जिनकी उत्पत्ति हुई होती है और उनको एक टाइप का काम करने के लिए दिया गया होता है, उनको हम उत्तक या फिर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। हर तरह की कोशिका जो एक ही जगह से उत्पन्न हुई है और उनका गठन हुआ है ताकि वो एक तरह के काम को परफॉर्म कर सके या काम को कर सके, इसको हम लोग टिश्यू या उत्तक बोलते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम्स जो होते हैं, मेरिस्टेम्स फिर से आपको बताया गया, या तो सबसे ऊपर प्लांट में, या तो वो सबसे ऊपर में होंगे या फिर रूट टिप पे होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, सर बायो की भी क्लास, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका केवल, बिल्कुल बायो की क्लास होगी, मैं ही तो हूँ बायो का टीचर, तो बायो की क्लास होगी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। इनफैक्ट फिर से मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी क्वेरी है, और बेहिजक आप जिस नंबर पे आपने आपको मैंने दिया है, आप उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ से सारा क्वेरी और डिटेल आपको मिल जाएगा।
तो मेरिस्टेमिक टिश्यू में आपके आते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, तीन तरह के होते हैं। आपका पोजीशन किस हिसाब से है, एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और आपके लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम सपोज कर लो कि मैच्योर कर गया, उसको डिवाइड करने का काम नहीं है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में रिग्रोथ रेट अभी भी रुका हुआ होता है, जबकि एपिकल मेरिस्टेम में सबसे ज़्यादा तेजी से सेल डिवीजन हो रहा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इनके बाद आते हैं कुछ टिश्यूज जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू। तो इसमें परमानेंट टिश्यू में क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू अभी नाम सिर्फ बताया गया हुआ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग आगे इनका कहाँ कहाँ पोजीशन है उसके बाद हम लोग देखते चलेंगे। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स, सिंपल के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके हिसाब से सिंपल और कॉम्प्लेक्स को बताया गया। मान लो अगर किसी टिश्यू का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि बाहर का कोई पैथोजेन जो है वो प्लांट के अंदर में इंटर नहीं करे, बैक्टीरिया या जिससे बीमारी हो सके सिर्फ उसको रोका जा सके, तो वो सिंपल मेरिस्टेमेटिक सिंपल परमानेंट टिश्यू में से आ जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पहले तो ये समझना होता है कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू जिसमें डिवीजन रुक चुका हुआ है, अब उनका काम होता है कि जो आपको काम दिया गया है आप उसको परफॉर्म करो, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं है। जैसे आप जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन काम है, पानी को खींचो जमीन से, उसको लीफ तक पहुंचाओ और लीफ में जो खाना पीना बन चुका हुआ है उसको पूरे के पूरे प्लांट में फैला दो, तो यही आपके परमानेंट टिश्यू का काम होता है। तो कैलिक्स जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये कौन से थे, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऑफ लिविंग टिश्यू प्लांट में जो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं और लिविंग टिश्यूज हैं। कोलेन्काइमा उन सेल से मिलकर बने होते हैं जो कि ज्यादा मोटे होते हैं, कॉर्नर्स पे ज्यादा मोटे होते हैं ड्यू टू सेल्यूलोज। ऐसे सेल्स जो कॉर्नर्स पे ज्यादा मोटे होते हैं सेलुलर सेल वॉल के चलते, उनमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये तीनों ही चीज पाए जा रहे होते हैं। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि जो प्लांट बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं जब वो यंग एज में होते हैं। तो पैरेन्काइमा बिल्कुल प्रिमिटिव है और सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। कोलेन्काइमा जिनका बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है, इसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, ये तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना। जब कोई भी नया पेड़, नया पौधा जब ग्रो कर रहा होता है तो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा में आते हैं तो ये भी सपोर्टिव टिश्यू की तरह होते हैं, हाईली थिक वॉल सेल, इनमें भी बहुत मोटा सेल पाया जाता है विथ लिटिल और नो प्रोटोप्लास्ट। इनमें प्रोटोप्लास्ट, ये कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा, इनमें जो होते हैं वो प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, सेल के अंदर जो है वो पानी जैसा तरल पदार्थ जिसमें सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका के अंदर जितनी भी जीवित चीजें होती हैं वो प्रोटोप्लास्ट में ही तैर रही होती हैं। तो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा बहुत थिक वॉल का, मोटा दीवार का बना होता है सेल्यूलोज का, और इसमें लगभग लगभग प्रोटोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ठीक है, सेल्यूलोज और लिग्निन के चलते इनमें नहीं पाए जाते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर्स एंड स्क्लेरेन्स जिसमें आपके पाए जा रहे होते हैं, जिसमें आपके प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं एंड इट कंस्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट एंड वर्क टूगेदर एज अ यूनिट वास्कुलर बंडल के तौर पे, वास्कुलर बंडल, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, क्या नाम था उसका, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाटर और फूड का जो होता है वो पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में क्या होता है, इट कंडक्ट्स वाटर और सैप, ठीक है, तो वाटर और साथ ही साथ वाटर विथ सैप मतलब मिनरल, ठीक है, सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि मिनरल खनिज जो होता है वो उसको भी कैरी करने का काम कर रहा होता है। जबकि फ्लोएम जो होते हैं एक कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर
पूरा मिनरल और लीफ तक में पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, और ऊपर में लीफ में जो फूड बना हुआ होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम हो रहा होता है फ्लोएम का। जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ठीक है, ट्रैकीट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक उसी तरह से फ्लोएम भी जो होते हैं वो ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से मिलकर के बने होते हैं। मैंने क्या बताया, इन चीज़ों को अभी डिस्कस उतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर से इन सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें हम लोग वापस से डिस्कस करने का काम करेंगे। तो प्राइमरी जाइलम जो है उनमें दो तरह के, प्रोटोजाइलम मेरे ख्याल से शायद इसी में है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि शायद कुछ मैसेज आया हो। आपसे जुड़ा हुआ कुछ भी मैसेज हो, ओके। नाउ प्राइमरी जाइलम इज द टू टाइप, जिसमें हम लोग प्रोटोजाइलम बोलते हैं और मेटाजाइलम बोलते हैं। एम ई टी ए है, मेटा लिखा गया हुआ है यहाँ पे, कि स्पेलिंग मिस्टेक है, एम ई टी ए मेटाजाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, जिसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो आपके एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं और इनमें सीव सेल्स होते हैं। दे लैक द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। आप जाइलम जो होते हैं उनके, इसमें बताया गया कि जो प्लांट है उसमें एल्ब्यूमिनस हैं, उनमें जो आपके सपोर्ट सेल्स पाए जाते हैं जो कि आपको एनर्जी या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड दे लैक सीव सेल्स भी पाए जाते हैं, जो सीविंग हो रहा होगा यानी ट्रांसपोर्टेशन कोई भी मॉलिक्यूल का एक सेल से दूसरे सेल तक करते हैं, लेकिन उनमें सीव ट्यूब नहीं पाया जाता है। यानी कि ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करेंगे लेकिन इनमें किसी भी तरीके का ट्यूब नहीं पाया जाता है, जस्ट लाइक जाइलम, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो आपके प्लांट में जो एपिडर्मल यानी जैसा हमारा स्किन होता है, प्लांट के भी लेयर्स पाए जाते हैं बाहर में। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होते हैं। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। पूरे के पूरे प्लांट में सबसे बाहर जो पाया जाता है उसको हम एपिडर्मल सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एस्टोमाटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें हम ट्राइकोम्स एंड हेयर्स भी आते हैं। अब ये जितने भी बाहर में, अगर आप कोई भी प्लांट है, आप देखिएगा कि आप उसको जैसे आप कोई भी प्लांट का आप देखोगे, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है अगर आपके पास में, तो आप देखेंगे बाहर में हल्का ब्लेड लगा करके अगर आप इसको खींचिएगा तो ये एक लेयर जैसा जो होता है वो बाहर चला आता है, यही आपका एपिडर्मल होता है। अब इसमें क्या क्या है एपिडर्मल में, इसमें आपके एपिडर्मल सेल्स हैं जिससे ये मिल करके बना होता है, एस्टोमाटा है, एस्टोमाटा जो है वो आपके ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एस्टोमाटा का काम होता है वाटर एक्सचेंज में हेल्प करना और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाटर एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, उसको कंट्रोल करते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं जिसमें आपके ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, अपेंडेजेस मतलब कि उसी लेयर में आपके कुछ 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 और भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं। इन डाइकॉट्स, डाइकोटाइलेडॉन्स, द एस्टोमाटा आर बीन शेप्ड हैविंग टू गार्ड सेल्स क्लोजिंग द एस्टोमाटल पोर। अब आप स्टोमाटा में डाइकोटाइलेडॉन्स में देखिएगा तो ये जो पोर होते हैं इनके दोनों तरफ में गार्ड सेल्स पाए जा रहे होते हैं, जिसमें वाटर का मूवमेंट होने पे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग किया जाता है। तो ये पूरे के पूरे लीफ में कई सारे स्टोमाटा जो होते हैं वो पाए जा रहे होते हैं। स्टोमाटा ही है वो छिद्र जिसके थ्रू पानी का एक्सचेंज होता है लीफ के थ्रू या प्लांट के अदर इसमें, जबकि मोनोकॉट में जो स्टोमाटा है वो डंबल शेप का होता है, ठीक है, मोनोकॉट में। ये डाइकॉट में है, ठीक है, मोनोकॉट में स्टोमाटा जो है वो डंबल शेप का होता है, बिल्कुल इस तरह का, ठीक है। गार्ड सेल्स, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। तो गार्ड सेल्स जो बगल बगल में जो गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा कलर ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी, डीप ग्रीन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स के में आपके क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, जो आपके स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कैसे, मतलब आखिर क्लोरोप्लास्ट कैसे स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करेगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं।
अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें ग्लूकोज जो होते हैं उसकी सिंथेसिस होगी। ग्लूकोज के सिंथेसिस होने से गार्ड सेल में ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन को हेल्प करते हैं। जैसे रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टोमाटा से बाहर की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं और क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। जब आपके दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो ग्लूकोज का कंडीशन ऊपर हाई हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से ज्यादा बनते हैं और वाटर का, पानी का जो है अगल बगल के कोशिकाओं से पानी का मूवमेंट जो है वो गार्ड सेल में ज्यादा हो जाता है तो ये गार्ड सेल फिर दिन के समय में ओपन हो जाते हैं। तो यही मेन फंक्शन है कि आखिर स्टोमाटा में जो आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे होते हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना है, वो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग में किस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये छोटा सा एक आपका ये था समझाने के लिए। ट्राइकोम्स दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड विच आर मल्टी सेलुलर ब्रांच एंड अनब्रांच प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। तो आप जो आपके स्टेम्स होते हैं रूट्स और स्टेम्स और ब्रांचेज में, उनमें स्टोमाटा के बजाय कुछ और इपिडर्मल सेल्स के बजाय कुछ और तरह के सेल्स पाए जा रहते हैं जहां से वो वाटर के लॉस को बचाने का काम करते हैं। तो ज्यादातर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इपिडर्मल सेल्स और पत्तियों के आसपास से हो रहा होता है। और ट्राइकोम का क्या काम होता है, ट्राइकोम का काम होता है ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करना, यानी इस जगह से प्लांट जो है वो पानी को बाहर खोने से रोकता है, नहीं तो फिर सूख जाएगा, आप जितना भी पानी डालोगे वो सूख जाएगा। फिर आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहने का मतलब जमीन के पास जो आपके टिश्यू हैं वहां पे क्या क्या पाया जाता है। ऑल द टिश्यू बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द वास्कुलर बंडल दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। यहां से अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो बीच में वास्कुलर सिस्टम के पाए जाते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम है और ये हैं आपके एपिडर्मल। मैंने ग्राउंड टिश्यू में कुछ और ही बोल दिया, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स बाहर में और बीच में वास्कुलर सिस्टम, इनके बीच में जो एरिया है या बीच का जो भाग है यहां पे आपके पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। लीव्स एंड द मेसोफिल्स एंड द क्लोरोप्लास्ट दे कंटेनिंग सेल्स फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। लीफ है, लीव्स द मेसोफिल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। लीफ जो है एक एग्जाम्पल बताया गया कि वो मेसोफिल हैं, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू कंटेनिंग या ग्राउंड टिश्यू से ही वो बनाते हैं। वास्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं फिर से वापस से। द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम दैट टुगेदर फॉर्म द वास्कुलर। तो वास्कुलर सिस्टम में दो तरह के सेल्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये दोनों मिल करके वास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ओपन वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जिसमें कैम्बियम आता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ओपन वास्कुलर सिस्टम में क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आएंगे, दे आर फाउंड इन द डाइकॉट स्टेम्स। तो जितने भी डाइकोटाइलेडिनस प्लांट्स हैं उनके स्टेम में, आप इसको सीक्वेंस में देखो, ऐसा प्लांट जो डाइकॉट है उसके सीड में दो लेयर पाए जा रहे होते हैं, उनके रूट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट पाया जा रहा होता है, ठीक है। अगर आप उनके वास्कुलर सिस्टम को देखिएगा तो उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर है कैम्बियम। अगर आप देखेंगे कट करके तो देखिएगा कि पूरे के पूरे कैरेट में, जैसे गाजर वगैरह में, तो उसमें आपको कैम्बियम दिखाई देता है, ठीक है। क्लोज वास्कुलर सिस्टम कैम्बियम इज एबसेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपके मोनोकॉट जितने भी प्लांट हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाया जा रहा होता है उनके स्टेम्स में। जब जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर सिस्टम के साथ में अरेंज किए होते हैं एक अल्टरनेट मैनर में, डिफरेंट रेडियाई पे, अलग अलग जगह पे जाइलम और फ्लोएम को अरेंज किया गया हुआ है, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग रेडियल कहते हैं एज इन द रूट्स, ठीक है। तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं जहाँ जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट तौर पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि, ठीक है, एक बार जाइलम आया, ठीक है, फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया, फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया, इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिस्टम
और ये रेडियल जो होता है ये आपके रेडियल जो है वो आपके रूट्स का फाइनली फिट कर रहे होते हैं। आप जब आप कट करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि रेडियल सिस्टम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं पाए जा रहे होते हैं। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ द वास्कुलर बंडल इट इज कॉल्ड को ज्वाइंट एज इन द स्टेम एंड द लीव्स। अगर आप दोनों सेम ही रेडियस पे पाए जा रहे हैं, मैं इसको एक बार क्लियर करके मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अमित का रिक्वेस्ट था कि सर जरा बड़ा डायग्राम बनाइएगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइड में कुछ स्पेस को बचा के रखूँ, जहाँ मैं आपको स्क्रीन में मैं जहाँ दिख रहा हूँ उसका एक मार्जिन मैं छोड़ दूंगा। सारी चीज़ें जो हैं जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे हूँ ना, तो ये मार्जिन आपका रहेगा, मार्जिन के इस साइड जो आपका है वो एरिया छूटा हुआ रहेगा, ताकि अगर कोई भी डायग्राम वगैरह बनाना है तो मैं आपको वहाँ पे बना करके समझा सकूँ, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल होता है बनाने के लिए। तो जाइलम के बारे में, सॉरी इसके बारे में, क्या नाम था इसका, रेडियल के बारे में था। पहले मैं रेडियल बना देता हूँ कि अलग अलग रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम है। जैसे ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, अल्टरनेट तौर पे। और एक ही रेडियस पे जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है, एक ही रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम है, तो हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ पे विच इज कॉल्ड को ज्वाइंट। रेडियल मतलब अलग अलग रेडियस पे है, अल्टरनेट अवेलेबल है, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं अल्टरनेट, और इसको हम लोग लिखते हैं को ज्वाइंट। को मतलब साथ और ज्वाइंट मतलब जुड़े हुए होना, इसको लिखते हैं को ज्वाइंट, जब एक ही रेडियस पे दोनों पाए जा रहे होते हैं। अब देखते हैं डाइकोटाइलेजिनस रूट्स के बारे में, कि जहां पे प्लांट्स डाइकोटाइलेजिनस प्लांट्स हैं उनमें कैसे, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकोट रूट इज एपिडर्मस विच इज कंटेनिंग यूनिसेलुलर रूट हेयर। अब इनमें क्या हो जाते हैं कि जो डाइकोटाइलेजिनस रूट्स होते हैं, आपको उसमें दिखाया गया था कि ये प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से रूट हेयर्स बन रहे होते हैं। तो डाइकोटाइलेजिनस रूट में इसमें एपिडर्मिस होते हैं और एपिडर्मिस में यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर रूट हेयर, यानी जितने भी रूट हेयर हैं वो सिंगल सेल से मिलकर के बने हुए, एक टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस हैविंग द वैक्सी मटेरियल दैट इज सबरीन सुबेरीन एज द कैस्पेरियन स्ट्राइप। तो जो भी इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, ठीक है, वो उसमें एक वैक्सी लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है, जो हम लोग इंडोडर्मिस बोलते हैं, इसके जस्ट अंदर में इंडोडर्मिस पाया जाता है और उसमें एक वैक्सी लेयर पाया जाता है जिसको सुबेरीन होता है, और उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप भी, एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप भी वहां पे पाए जाते हैं। तो आपके होते हैं पेरिसाइकल इज प्रेजेंट बिलो द इंडोडर्मिस, फिर इसके अंदर में एक और पेरिसाइकल, आपर, अब सबसे बाहर में इंडोडर्म, इक्टो, सॉरी आउट एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में आते हैं इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर में आते हैं, फिर आपके लास्ट में दैट इज पेरिसाइकल, ठीक है। देयर आर फोर जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस दैट आर प्रेजेंट इन डाइकॉट। जब आप इसको बाहर से सर्कुलरली इसको कट कीजिएगा तो आपको एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर में इंडोडर्मिस जिसमें वैक्सी लेयर और सुबेरीन्स वगैरह पाए जा रहे होते हैं, उसके सबसे अंदर में पाए जा रहे होते हैं दैट इज पेरिसाइकल्स, इंडोडर्मिस के अंदर में पेरिसाइकल, और फिर इसमें चार जाइलम एंड फ्लोएम का पैचेज आपको दिखाई देगा। अब आप इसका कट का जो इमेज है, अगर आप एनसीईआरटी या किसी भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को एक बार क्लियर देख सकते हैं, वहाँ पे उसका इमेज बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये डाइकॉट का जो स्ट्रक्चर है वहाँ के बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं मोनोकॉट के रूट के स्ट्रक्चर के बारे में। मैं एक बार आगे देख लेता हूँ, मोनोकॉट स्टेम लीफ, नहीं नहीं मेरे ख्याल से लगता है कि ये चैप्टर ही कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ में जो आपको कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिया जाएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस भी जो हैं इससे जुड़े हुए आपको इंक्लूड किए गए हुए हैं। तो मोनोकोटाइलेडिनस रूट्स के बारे में दिया गया हुआ है कि एनाटॉमिकली मोनोकॉट्स रूट्स एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस एंड पिथ आर सिमिलर टू द डाइकॉट एक्सेप्ट हैविंग मोर देन सिक्स वास्कुलर बंडल्स विद अ लार्ज पिथ। तो ये सारे जगह आप दोनों के रूट को कटिंग करिएगा तो आप देखिएगा कि डाइकॉट जो होते हैं उनमें चार पैचेस पाए जा रहे होते हैं आपके
जाइलम एंड फ्लोएम के, जबकि इनमें जो होते हैं वो सिक्स पैचेस पाए जा रहे होते हैं, सिक्स पैचेस ऑफ वास्कुलर बंडल जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं मोनोकॉट के रूट्स में। ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को पहचानने का सबसे अच्छा क्या तरीका है, कि अगर आप रूट को कट करते हैं या स्टेम के पार्ट को, रूट को ही कट करो, नॉट स्टेम का पार्ट, रूट के पार्ट को कट करो और माइक्रोस्कोप के अंदर में स्टडी करो स्टेन करके। अगर आपको चार तरह का चैम्बर दिखाई दे रहा है तो ये डाइकॉट का है, और अगर छः दिख रहा है तो मोनोकॉट का है, डाइकोटाइलेडिनस। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेम के तौर पे, रूट्स खत्म हो गए, अब स्टेम पे आते हैं। स्टेम में क्या है कि एपिडर्मिस जो है वो फिर से बाहर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है डाइकॉट स्टेम का, उसमें भी थिन लेयर जो है वो क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे होते हैं, छोटे 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 जो हैं बाल के जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, एंड इट मे कंटेन ट्राइकॉम्स एंड द हेयर्स। तो क्यूटिकल्स होते हैं वो ट्राइकॉम्स और हेयर्स जो हैं उन दोनों के फॉर्म में, जैसे मैंने बाल जैसा बताया वैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कोर्टेक्स जो है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब लेयर्स, जो आउटर कोर्टेक्स होता है उनमें तीन लेयर पाए जाते हैं, हाइपोडर्मिस ठीक है जिसको हम कोलेनकाइमेटस बोलते हैं, मिडिल कॉर्टियल लेयर जिसको हम पैरेनकाइमेटस बोलते हैं, कोरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस, ये सब क्या हो गए कि किस तरीके का सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया गया हुआ है, उसका काम सपोर्ट करना होता है, उसमें क्या होते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कम या ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। तो पैरेनकाइमेटस, कोरेनकाइमेटस, इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनर एंडोडर्मिस जो है विच इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड ऑल्सो नोन एज स्टार्च सीथ। तो वास्कुलर बंडल जो है वो को ज्वाइंट होते हैं, वास्कुलर बंडल को ज्वाइंट करने का मतलब, इसके पहले भी डिस्कस किए हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों जो हैं वो डाइकोटाइलेडिनस स्टेम में को ज्वाइंट लेवल पे अवेलेबल होता है, यानी आधा जाइलम आधा फ्लोएम, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं ठीक है, एक ही रेडियस में है जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, इस तरह से अवेलेबल होते हैं ठीक है। एंड ओपन इनटू इंडार्च एंड प्रोटोजाइलम, पिथ इज द पैरेनकाइमेटस, फिर उसमें भी जो पिथ पाया जाता है वो पैरेनकाइमेटस हैं, बहुत प्रिमिटिव लेवल पे इंटर सेलुलर स्पेसेस वहां पे अवेलेबल होते हैं, सेल्स के बीच में कुछ स्पेस भी अवेलेबल होते हैं। मोनोकोटाइलेडिनस सिस्टम में क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, हाइपोडर्मिस है सबसे बाहर लेयर में, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल। यहाँ पे जो स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल होंगे जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम हैं वो कोई पैटर्न या किसी रेडियस या सर्कुलर या गोल इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, नंबर ऑफ जो हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम वो स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। वास्कुलर बंडल होते हैं क्लोज्ड एंड को ज्वाइंट अवेलेबल होगा, फिर यहाँ पे भी कुछ हैं, कुछ में आपके वास्कुलर बंडल सिस्टम जो होते हैं वो आपके क्लोज्ड एंड आपको ये को ज्वाइंट दिखाई देंगे। क्लोज्ड करने का क्या मतलब था, कैम्बियम प्रेजेंट होगा क्लोज्ड में, कैम्बियम प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, क्लोज्ड वाले में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं था, मोनोकॉट क्लोज्ड में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होते। डाइकोटाइलेडिनस लीफ, अब हम लोग क्या किए थे, स्टेम पढ़े थे, यहाँ पे एक हट जाना चाहिए था, खैर लीफ के बारे में देखते हैं। एपिडर्मस, एपिडर्मिस कवर बोथ अपर दैट इज एडेक्सियल एंड लोअर दैट इज एबेक्सियल, ठीक है। तो लीफ का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आप देखिएगा कि जैसे आप किसी पेड़ के पत्ते को देखिएगा तो ऊपर वाला ज़्यादा डार्क दिखता है और नीचे वाला लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को एडेक्सियल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को एबेक्सियल बोलते हैं। सारे बच्चे जो भी क्लास अटेंड कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं या बाद में देखेंगे, कल की क्लास को आप लोग जरूर से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ बायो मॉलिक्यूल से 2020 में लगभग 9 क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, ठीक है, वो और बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री से लगभग लगभग 7 क्वेश्चन है सिर्फ एक या दो चैप्टर से। तो कल जो क्वेश्चन या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इससे लगभग लगभग आपके 16 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होंगे, इसलिए कल की क्लास को कभी भी मतलब कल वाली क्लास को तो बिल्कुल ही मत मिस कीजिएगा। ये लगभग लगभग 17 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले साल पूछे गए हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसके बाद आ जाते हैं कि मेजोफिल बेयर्स द क्लोरोफिल, जो भी आपके प्लांट लीफ के जो मेजोफिल हैं उसमें क्लोरोफिल होते हैं टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उनमें, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आर स्फेरिकल एंड लूजली अरेंज्ड, बट द प्लेसेड द पैरेन्काइमा आर इलोंगेटेड। तो दो तरह के पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, एक है स्पॉन्जी जो गोल शेप के होंगे और लूजली अरेंज्ड होंगे बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, जबकि आपके प्लासिड्स जो पैरेन्काइमा होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम जो होते हैं वो वास्कुलर बंडल को होंगे और विच आर सीन इन वेन्स एंड मिडरिब्स। अगर आप लीफ का पत्ता में, आपको याद होगा कि ये मिडरिब हुआ करता था और यहाँ पे वेन्स हुआ करते थे, तो जो वास्कुलर सिस्टम है वो वेन्स में पाए दिखाई देते हैं लीफ के, और मिडरिब्स जो होते हैं वहां पे दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, मोनोकोटाइलेडोनस जो लीफ है जिसमें आइसोबाइलेट्रल हम लोग देखते हैं, आइसोबाइलेट्रल कहने का क्या मतलब है, तो स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेसेज ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो दोनों ऊपर और नीचे, दोनों ही लीफ के ऊपरी पार्ट और निचले पार्ट दोनों पे ही एस्टोमाटा पाए जा रहे होते हैं, जहां से गैस और वाटर का एक्सचेंज होता है। एस्टोमाटा याद कर लो, जितनी बार होगा एस्टोमाटा के आसपास में गार्ड सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में आपके ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज का बनने का संश्लेषण की क्रिया होगी, ग्लूकोज से गार्ड सेल्स के चलते एस्टोमाटा क्लोज और ओपन होगा, दोनों ही में पाए जाएंगे। मेसोफिल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड, जो भी मेसोफिल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, और स्पॉन्जी के तौर पे डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, एंड पैलिसेड सेल्स आर इन द ग्रासेस। ठीक है, स्पॉन्जी और पैलिसेड्स जो होते हैं वो घास अगर आप देखिएगा निकाल करके, तो उनके जो ग्रास होते हैं उनमें पैलिसेड सेल्स उनको बोला जाता है। सम एब्डेक्सियल एपिडर्मल सेल्स विद द वेन मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। एब्डेक्सियल कौन सा था? ठीक है, एडेक्सियल और एब्डेक्सियल। एडेक्सियल कौन सा था? जो लीफ का अपर पार्ट होता है जो डार्क कलर का है, उसके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में डेवलप कर जाते हैं, और आपको वो पैटर्न टाइप का वहां पे दिखाई देता है। फिर आप आ जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में प्लांट में। इट इज द ग्रोथ काइनेटिक इन ग्रिथ दैट इज थिकनेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू बाई लैटरल मेरिस्टेम दैट इज वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्प कैम्बियम। किसी भी पत्ता में या किसी भी प्लांट में आपके ग्रोथ होते हैं जिसके चलते उन प्लांट और पत्ते में आपके वापस से थिकनेस जो होते हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और ये क्यों होता है? जो कि गिर्थ यानी थिकनेस बढ़ता है किस चीज़ के लिए? सेकेंडरी टिश्यू जिसमें लैटरल मेरिस्टेम आते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके पहले बताए हुए थे, जिसमें वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वेसिकुलर का कैम्बियम जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा था, कॉर्क कैम्बियम जो डेड होते हैं या बाद में वो डेड हो जाते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना होता है ताकि प्लांट खड़ा रह सके। ठीक है, डाइकोट स्टेम और कैम्बियम प्रेजेंट बोथ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, जिसमें डाइकोट स्टेम जो भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम जो है वो डेड बताया था मैंने कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जा रहे होते हैं, डाइकॉट में ही पाए जाते हैं, मोनोकॉट में नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी आपका एक ग्राउंड रूल है। ओके, कॉर्क कैम्बियम, फिर वही कैम्बियम है जो आपके डेड लॉग ऑफ वुड की तरह होता है। जैसे आप बड़े प्लांट्स को अगर आप देखिएगा
तो कैसे हैं, लकड़ी के जैसे बिल्कुल बने होते हैं, उनमें कोई भी ऐसा लिविंग इसमें नहीं दिखाई दे रहा होता। तो फेलोजेन इज फॉर्म इन द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फिर एक और एग्जाम्पल आ रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में, ठीक है। द कॉर्क इज इम्पर्सिव टू वाटर, इम्परविशियस टू वाटर, यानी कि कॉर्क जो है वो वाटर को अंदर, पानी के अंदर नहीं जाने देते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्यूबेरिन। स्यूबेरिन कौन सा था? स्यूबेरिन वैक्सी कोटिंग था, जो आपके जस्ट इपिडर्मिस के अंदर इंडोडर्मिस में पाए जा रहे होते हैं, एक स्ट्रिप के तौर पे आते हैं इन द सेल, ठीक है। फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरीडर्म। तो पेरीडर्म भी एक टर्म यूज किया गया जिसके तीन पार्ट हैं, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलीडर्म। सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो अकर इन द स्टेम, रूट एंड जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ में नहीं या उनमें ऊपर वाले पार्ट में नहीं, बल्कि स्टेम और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन मोनोकोटाइलिडॉन में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। ये बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया हुआ है। सो बच्चे, यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, अगर टाइम बचता है तो हम लोग एनिमल वाला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम को। फिलहाल के लिए आपके सामने में एक दिया गया हुआ है क्वेश्चन को, जरा सा इसको सॉल्व कीजिए। आई विल गिव यू द 30 सेकेंड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। अब एक मिनट का समय जो है वो हमारे पास में रहेगा, एक मिनट का समय हमारे पास में रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, आई, दिस इज नॉट फॉर मी, आई थॉट देर आर सम मैसेजेस फॉर मी, ठीक है। मैं जस्ट कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट एक वाटर ब्रेक ले रहा हूं। रीड द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स 1 and 1 to 4 इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स विथ रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू द इनर साइड ऑफ वुडी डाइकॉट स्टेम। वुडी है लकड़ी का, डाइकॉट है, डाइकोटाइलेडिनस है, ठीक है, और स्टेम के स्ट्रक्चर में किस तरीके का बना हुआ है। बाहर से अंदर की ओर आना है, तो सबसे पहले तो वुड होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होगा, फेलेम होगा, फेलेम होगा या वुड होगा, फेलेम होगा, ठीक है, नहीं, यस 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 यस, सबसे पहले आपका फेलेम पाया जाएगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स होंगे, ठीक है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम होंगे और तब फिर होगा वुड, ठीक है। तो ये हो गया 4, number 1 में आएगा फेलेम, फिर आपका आ जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, 4 के बाद आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये आ जाता है 2 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम 3 और चौथे नंबर पे आ जाते हैं वुड। जब आप इसके डायग्राम को एनसीईआरटी में बहुत साधारण तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, बहुत साधारण तरीके से इसका डिजाइन दिया हुआ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैं अंदर से बाहर की ओर बताने लगा कि बीच में वुड होगा, वुड होने के बाद में फिर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, फिर फेलेम होगा, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आ जाते हैं मोनोकॉट के। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, मोनोकॉट रूट का सबसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ठीक है, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। ये तो तय है कि आपके जो मोनोकॉट होते हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। द कैम्बियम सैंडविच, जैसे ही कैम्बियम लिखा, सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, कैम्बियम पाया ही नहीं जाता है। ओपन वास्कुलर बंडल, ओपन वास्कुलर बंडल में हो रहे थे जहाँ पे कैम्बियम पाए जा रहे थे। स्कैटर्ड वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर बंडल, इसमें भी कैम्बियम पाया जाता है। हम लोग जो मोनोकॉट रूट है वो सिर्फ और सिर्फ कैम्बियम के प्रेजेंस और एब्सेंस पे मोनोकॉट का हम आपको बता सकते हैं कि अगर कहीं पे भी मेंशन कर दिया कि कैम्बियम है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर द मोनोकॉट। मोनोकॉट में कैम्बियम का कोई कॉन्सेप्ट लेना देना नहीं है। द वास्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोटाइलिडन इज कंसिडर्ड क्लोज्ड बिकॉज ऑफ, अब देखिए मोनोकॉट का नाम लाया और यहाँ पे आंसर में आ गया कैम्बियम इज एब्सेंट। तो हम लोगों को क्या करना है, कैम्बियम पे ध्यान देना, जैसे ही मोनोकॉट का पूछा तुरंत कैम्बियम पे ध्यान देना है कि कैम्बियम इज द करेक्ट आंसर, कैम्बियम इज एब्सेंट इज द करेक्ट आंसर। 1 का ए, प्रियंका केवट,
यस, वन का ए मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ. यस, वन का ए इज द करेक्ट आंसर. टू का भी ए है. यस, नो, यू आर गिवेन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम का एक टुकड़ा आपको दिया गया है, एंड अ डाइकॉट रूट. डाइकॉट रूट का एक टुकड़ा दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू देम. तो दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो आप उस चीज को स्टडी करने के लिए या दोनों के बीच के डिफरेंस को पढ़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं. देखिए, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम जो है, और कॉर्टिकल सेल्स. द करेक्ट आंसर इज जो भी स्टेम होते हैं, ठीक है, उनमें जो प्रोटोजाइलम होते हैं दे लाइज टूवर्ड्स द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम. ठीक है, तो प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर और मेटाजाइलम के बीच में पाए जा रहे होते हैं. ठीक है, द टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्क एंड द रूट. जो भी आपके ये हैं, मेरे ख्याल से जो प्रोटोजाइलम है इसके प्रेजेंस से आप इनके डाइकोट और डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट को आसानी से चेक कर सकते हैं. ठीक है, फोर का सी इज द करेक्ट आंसर. आप इस चीज़ को याद कर लो कि पुराने रूट के और स्टेम के बीच के अगर स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश करना है तो प्रोटोजाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पोजीशन के हिसाब से हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि इसका पोजीशन प्रोटोजाइलम के पोजीशन के हिसाब से कैसे चेंज किया हुआ है. ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवें नंबर पे, ट्रैकिड्स. दे डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स. जो ट्रैकिड्स होते हैं इसका डिस्कशन हमारे इसमें नहीं दिया हुआ है. द बींग इम्परफोरेट, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो पुराने लॉग ऑफ वुड, लास्ट वन वाले में हम लोग ने ये किए हुए थे, इम्परफोरेट होते हैं जिसमें वाटर को जो है वो इंटर नहीं करने दिया जाता है. ठीक है, डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स दे आर बींग इम्परफोरेटेड. इम्परफोरेटेड ये वाटर को इंटर नहीं करने देते हैं. ठीक है, लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व इन. लेंटिकल किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? लेंटिकल बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं आपके गैसियस एक्सचेंजेस में, जो आपके नॉर्मली लीव्स वगैरह में पाए जाते हैं. तो लेंस से ओपनिंग होते हैं, जो लीफ में बोल रहा हूँ, बार्क बार्क. ठीक है, बाहर का जो छाल होता है वो तो स्टोमाटा था, बाहर के जो छाल होते हैं उसमें लेंस शेप का ओपनिंग होता है, जो कि आपके ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ के चलते, जो भी आपका प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है वो बाहर के बार्क या बाहर पेड़ के छाल पे उसमें एक लेंस शेप का होता है, जिसको हम लोग लेंटिकल्स बोलते हैं. ठीक है, बार्क में पाए जाते हैं या आप लिख सकते हैं छाल में पाए जाते हैं, और लेंस शेप के होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के चलते. ठीक है, ये और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं. सातवां नंबर है, एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय एनुअल रिंग्स का. ठीक है, जितने भी एज है वो जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है उसमें एनुअल रिंग्स बन रहे होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के. ठीक है, तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज द करेक्ट आंसर. डायमीटर ऑफ हर्थ वुड, हाइट एंड ग्रेथ एंड बायोमास, ये से आप एज पता नहीं लगा सकते. आप एनुअल रिंग को काउंट करके बता सकते हैं कि कितने के कितने आपके साल पुराना ये है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पे पाए जा रहे थे, याद आएगा? इंटरफेसिकुलर कोई भी डाइकॉट स्टेम होता है, अगर मैं बताऊँ तो डाइकॉट स्टेम के साथ में है कि द सेल्स ऑफ कैम्बियम, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सेल्स ऑफ कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगा आपके प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में. ठीक है, तो ये डाइकॉट प्लांट का नियम है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में. हम बार बार बता रहे हैं कि मोनोकॉट में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती. तो उस केस में क्या है कि आपके पास में जो सेल्स मेडुलरी रे हैं, या फिर आपको एडजॉइनिंग क्या है, सेल्स मेडुलरी रे एडजॉइनिंग जाइलम एंड फ्लोएम्स को वहाँ पे भी प्रेजेंट करते हैं. तो मेडुलरी रेज जो होते हैं, ठीक है, वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रे, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में
वो डेवलप कर जाते हैं, और ये डाइकॉट में ही सिर्फ पाया जाता है, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं, पेरिसाइकिल नहीं, ठीक है, और इंडोडर्मिस नहीं। तो मेडुलरी रेज जो होते हैं वही आपके कैम्बियम का सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नाइन नंबर में आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ ट्री ट्रंक। गिर्थ क्या था? थिकनेस, और मैंने बताया था ये सेकेंडरी ग्रोथ था, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ ट्री ट्रंक, यानी कि कोई भी पेड़ का जो टहनी है, ट्रंक है, अगर उसका थिकनेस को बढ़ाना है तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं, ठीक है, फेलोजेंस नहीं, एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ शूट और रूट का करेगा, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्लांट के लेटरल पार्ट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वह ग्रिथ ऑफ ट्रंक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बंडल सीथ सेल्स, जिसमें दे आर रिच इन, बंडल सीथ सेल्स का काम क्या होता है? बंडल सीथ सेल का क्या काम क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस के इस पे आ गया है, जिसमें मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिच इन रूबिस्को है, राइबुलोज 15 बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सी और कार्बोक्सी ऑक्सीजिनेज, ठीक है। तो C4 प्लांट्स जितने भी होते हैं उन लोगों के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए है। तो बंडल सीथ सेल्स जो होते हैं, आप सिर्फ ये कर लीजिएगा कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, रूबिस्को, उसमें वो रिच पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया हुआ है। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है वो है आपका एनिमल किंगडम, और एक सेकेंड है, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, यस, यहाँ से एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम बोल रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी है जो इसका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है। हम लोग के पास 25 मिनट का समय है, कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो एनिमल फिजियोलॉजी में है एपिथेलियल टिश्यू, जो सबसे बाहर का हमारा स्किन होता है, उन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ, उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड द कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी में हमारे एपिथेलियल टिश्यू सारे के सारे बॉडी पार्ट को कवर करने का काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, कुछ ही पार्ट पे, जैसे इनर लाइनिंग है हमारा, इंटरनल ऑर्गन है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, या यहाँ पे स्किन के फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं होते, सब मसल्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कितने तरह के होते हैं? सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है, कंपाउंड में थोड़े से मिले हुए टाइप के होते हैं, ठीक है, सिंपल कंपाउंड। स्क्वामस जो होते हैं वो दोनों मिक्स टाइप के होंगे, क्यूबॉइडल जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से होंगे, एक क्यूब होगा फिर उसके जस्ट बगल में एक और होगा, और कॉलमनर जो होते हैं वो लगेगा कि कॉलम्स की तरह, एक पिलर और कॉलम की तरह जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का पोजीशन कहाँ है आपके बॉडी में, उसके हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उनके टाइप्स चेंज करते हैं। हम लोग एक एक कर कर देखेंगे। कॉलमनर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम्स, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक और था यहाँ पे, एक इंटर पड़ गया इसलिए नीचे चला गया। दे आर स्पेशलाइज इन सिक्रीशंस एंड दे आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कॉलमनर और क्यूबॉइडल ये जो होते हैं ना, ये सिक्रीटिव होते हैं, यानी आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी सिक्रीशन हो रहा है, किसी चीज़ का, किसी तरल पदार्थ का सिक्रीशन हो रहा है, जैसे जीभ में, जीभ में सलाइवा है, सलाइवरी एमाइलेज है, वहाँ पे आपके क्यूबॉइडल एंड क्यूब कॉलमनर ये होंगे। आपके स्किन से आपके स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है, इंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपके ग्लैंडुलर होते हैं, यहाँ से ग्लैंड जुड़े हुए होते हैं, थैली जुड़ी हुई होती है जिससे कि सिक्रीशन हो रहा होता है। विच मे बी यूनिसेलुलर एज इन द ग्लोबलेट सेल्स, तो ग्लोबलेट सेल में यूनिसेलुलर है, ये जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो सिंगल सेल के तौर पे अवेलेबल होंगे,
और एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपके एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से आपका फूड पाइप गया हुआ है, उसमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, उसमें वो सिंगल सेल्स में पाए जा रहे हैं, और मल्टी सेलुलर जिसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, जहाँ से आपका सलाइवा यहाँ मुंह में से जो लार आता है खाना पचाने के लिए, वो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में आपके मल्टी सेलुलर आ रहे होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज विच लिंक द सपोर्ट। मैं जरा सा इसको अंडरलाइन की बजाय लेजर ले लेता हूँ। यस, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज विच लिंक द सपोर्ट टू अदर टिश्यूज। कनेक्टिव से नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये कनेक्शन क्रिएट करने का काम कर रहा है, यानी एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, चाहे वो लिंक हो या सपोर्ट हो, उसके लिए वो जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सिल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच इज कॉल्ड कोलाजेन इलास्टिन टू प्रोवाइड द इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड के अलावा जितने भी टिश्यूज होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, जिसको हम लोग कोलाजेन और इलास्टिन बोलते हैं। कोलाजेन और इलास्टिन, इनका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर मान लीजिए एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मेरे मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यानी जो भी मेरा ब्रेन है, दिमाग है, वो हमारे मसल्स को बोलता है कि मूव करना, जैसे अभी ये मूव करना है, ठीक है। तो क्या करता है ब्रेन, हमारे मसल्स को कमांड करता है कि इसको मूव करना है। इसके थ्रू ये हड्डियों से जुड़ा हुआ जो है वो इलास्टिन और मसल्स जो है वो इलास्टिन और कोलाजिन को प्रोड्यूस करता है, ताकि हमारा मसल्स जो है वो आसानी से मूव कर सके। फिर आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें वो सेल्स होते हैं दैट कंटेन्स सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज। नाम से ही पता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पे आपके लूजली अरेंज होंगे, और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं और लूजली पैकेजिंग होने के चलते क्या है कि उसमें सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस पाए जा रहे होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, एल्यूलर टिश्यूज जो आपके एल्वुलाई में हैं, लंग्स वगैरह में पाए जा रहे होते हैं, और एडिपोज टिश्यूज जो है ये दोनों आ जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब यहाँ से क्या हुआ, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद में आ जाते हैं डेंस। डेंस में क्या हो जाएंगे कि टिश्यूज के बीच में कोई गैप नहीं होता है, और वो बहुत फर्म स्ट्रक्चर में कड़ा होता है वो। इट कंटेन्स फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स मे बी रेगुलर एंड इरेगुलर। तो ये आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में आपके फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, और बहुत टाइट पैक होता है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बोन आ जाता है आपका, जो आपको साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, जो आपको आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस एंड मसल्स। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस और मसल्स इसमें एबसेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें एबसेंट होते हैं। हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक, मसल्स, ये किस तरीके से आपके इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करने में काम कर रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बाद आ जाते हैं हम लोग मसल्स टिश्यू पे, ठीक है। तो मसल्स टिश्यू के बारे में बताया गया कि ईच मसल टिश्यू जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर, सिलेंड्रिकल फाइबर कहने का क्या मतलब हो गया, लंबे और बेलन के शेप के होंगे, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स के तौर पे ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, यहां से ये इस तरह से, ठीक है, दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। द फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइब्रिल्स, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। इनमें भी जो है वो छोटे 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 फाइबर्स मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अब आप देखिएगा कि एच बैंड, एच एक्टिन और मायोसिन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, एच बैंड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प हो रहा होता है। द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन। जब आपके ब्रेन से उसके पास सिग्नल जाता है तो इन्हीं फाइबर्स में मूवमेंट होता है, जिसके चलते मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। जो भी आपके न्यूरल टिश्यू, इसके बाद में आते हैं न्यूरल टिश्यू जो आपके ब्रेन में पाए जा रहते हैं, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरोगैग्लिया सेल्स प्रोटेक्ट
एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। तो न्यूरो न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो आपके न्यूरोनल सेल्स को सपोर्ट करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और बाकी जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, जिसमें एक्सोन्स और डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स और यहाँ पे एक्सोन्स होते हैं। साइनेप्स वगैरह के लिए फिर आपका अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि साइनेप्स वाला न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाला में टॉपिक में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लेकर के। मैं एक जरा सा एक मैसेज चेक कर लेता हूँ, इज देयर एन अपडेट फॉर मी ऑन। ठीक है, तो अर्थ वार्म के बारे में हम लोग चेक करेंगे कि कॉमन इंडियन अर्थ वार्म्स आर पेरिथाइमा एंड ल्यूब्रिकस। ठीक है, पेरिथाइमा और ल्यूब्रिक, पेरिथाइमा जो है और ल्यूब्रिकस जो है वो इंडियन सिनेरियो में जो आपके अर्थ वार्म पाए जाते हैं, केचुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो केचुआ का दो नाम बताया गया, पेरिथाइमा एंड ल्यूब्रिकस। ठीक है, अर्थ वार्म जो है उनमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी पाया जाता है, बिल्कुल उस तरह से। आप तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो अर्थ वर्म नहीं देखा होगा, केंचुआ नहीं देखा होगा, और इनमें कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जा रहे होते हैं जिनको हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। सेगमेंट्स जो हैं उनको हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मेटामर्स, अभी सिचुएशन में क्या है कि मेटामर्स द वेंट्रल सरफेस कंटेन जेनाइटल पोर एंड द डॉर्सल सरफेस कंटेन मिड डॉर्सल लाइंस। तो आप दोनों, अगर ये केंचुआ है तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है, इसमें जेनाइटल पोर पाया जाता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन तो बॉडी के थ्रू ही करते हैं। जेनाइटल पोर कहने का मतलब यहां से वो फर्टिलाइजेशन कर रहते हैं, जबकि अपर बॉडी पार्ट जो होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके डॉर्सल लाइंस पाए जा रहे होते हैं। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम विच कंटेन्स माउथ एंड 14 एंड 16 सेगमेंट्स आर कवर्ड बाय अ डार्क बैंड कॉल्ड क्लाइटेलम। ठीक है, तो पहला जो सेगमेंट होता है इसमें माउथ कंटेनिंग होते हैं, बाकी 14 और 16 सेगमेंट्स इनमें पाए जा रहे होते हैं जिनका काम होता है मतलब बाकी का बॉडी का एक्सचेंज वगैरह करना होता है। सिंगल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल लाइन, जिसमें 14वां सेगमेंट जो है, 16 सेगमेंट है तो 14वें सेगमेंट के पास में एक जेनाइटल पोर पाया जाता है नीचे की ओर से, जिससे वो रिप्रोडक्शन कर सक रहे होते हैं। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स इज प्रेजेंट ऑन 18th सेगमेंट ऑन वेंट्रल साइड एंड ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट वन लास्ट एंड क्लेटेरियम सेगमेंट सेटई फॉर द लोकोमोशन। तो पहला सेगमेंट आप उसको छोड़ दीजिए और लास्ट सेगमेंट को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे सेगमेंट में क्लाइटेलम जो है, जो ये सेगमेंट्स हैं उसमें एस सेप का सिटेई पाया जाता है, सिटेई पाए जाते हैं जो कि उनको लोकोमोशन में करने में हेल्प करते हैं, यानी वो रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे फिर रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे फिर रुकेंगे आगे बढ़ेंगे इस तरीके से करके। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, यानी एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब है जो फूड से, मुंह से जब वो खाना खाते हैं और वो किस तरीके से लास्ट तक जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है फूड का जो ट्रैक हो गया उनका। एलिमेंट्री कैनाल इज ए स्ट्रेट ट्यूब फर्स्ट टू द लास्ट सेगमेंट हैविंग बकल कैविटी। बकल कैविटी जैसे हमारा ये रीजन जो है इसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स, जो भी वो खाना खाते हैं या मिट्टी खाते हैं उसको वो आगे की ओर पुश करने का काम करते हैं। ऑसोफेगस होता है जिसमें वो खाना को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट लीड्स टू द गिजार्ड्स, जो भी खाए हैं उसको पचाने या मस्कुलेशन यानी उसको तोड़ने का काम करते हैं, एंड विच हेल्प इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग द लीव्स। तो ये जो भी चीज़ खा रहे होते हैं
मस्कुलर फेरिंग्स, ऑसोफेगस और गिजार्ड जो होता है वो मिट्टी को तोड़ने और साथ ही साथ में उसको पचाने का भी काम कर रहे होते हैं। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लीड टू द एनस। जो भी स्टमक और इंटेस्टाइन है वो एनस में जा करके एंड करता है। यहाँ है आपका एनस, ठीक है। क्लोज वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। अर्थवर्म लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गेन एंड रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन। तो जो भी अर्थवर्म है उनमें किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गेन नहीं पाया जाता है और वो अपने स्किन के ही थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स इज क्वाइल्ड, सेगमेंटल एंड ट्यूबल कॉल्ड नेफ्रीडिया। तो जिस पार्ट से वो जो भी अपना खाना वो खाए और वो पचाने के बाद जो वो निकाल रहे होते हैं उसमें ट्यूबुल टाइप का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरह का ट्यूबुल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग नेफ्रीडिया बोलते हैं। नेफ्रीडिया, एनएस के पास ही मैं ड्रॉ कर देता हूं, NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया पाया जाता है। दे आर थ्री टाइप ऑफ नेफ्रीडिया जिसमें सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और फेरेंगियल नेफ्रीडिया। ये तीन तरह के नेफ्रीडिया पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक कॉकरोच है लेकिन हम लोग का सेशन खत्म करने का समय आ गया हुआ है, ठीक है। राना टिग्रीना और एनिमल किंगडम से भी जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक्स थे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं जब आप क्या नाम है आप इसके साइट पे जाएंगे तो PDF के फॉर्म में अवेलेबल होता है और ठीक है PDF के फॉर्म में आपको मिल रहा होता है और आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके पास में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका WhatsApp का भी नंबर दिया गया। यस सर आकाश, यस सर, हेलो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो सके, ठीक है। मैं किस साइड चला जाऊँ, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, ठीक है। 931, चलिए मैं स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ ये स्लाइड्स जो हैं, ठीक है। मैं हट ही जाता हूँ सामने से। दिस इज ये 9310414677। तो ये जो नंबर है आपको दिया गया हुआ है WhatsApp के लिए यहाँ पे 93, ठीक है, 9310414677 ये आपको दिया गया हुआ है जहाँ पे आप WhatsApp कर सकते हैं और आपके इसके सारे डिटेल के बारे में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और साइड हट जाता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले लेते हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैसेज में भी डला हुआ है। आप चाहें तो WhatsApp करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वो इंस्टाग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। फेसबुक के भी पेजेस हैं, आप वहाँ पे भी जाके